Yes, good morning everyone. Welcome to the first lecture of CA Final Audit Regular Course. English, Hindi with English will be the medium of uh, delivery over here. So, जो सबसे पहले, the first thing that you see on your screen is nothing but your Google that is uh, ICAI's website. सारे Final CA students को ये doubt होता है that whether the professor is covering the syllabus or not, हमको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या होगा? तो पहले आपके जितने भी FAQs हैं वो मैं clear कर देता हूँ. so that you know everyone is comfortable with how we are going to go ahead with this subject all right now uh, when you go to this new scheme of education and training so we are going to conduct this batch as per the new syllabus over here paper three advanced auditing and professional ethics now i, I hope many of you would have noticed this and if you have not noticed then this is the first time that you're noticing इन्होंने अभी अपलोड किया है स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर मे 22 टू एक्सामिनेशन ऑनवर्ड्स तो मैं अभी इनका क्या देख रहा हूं दैट सिंस लास्ट वन और टू इयर्स कि मे नवंबर साइकिल का एक स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं लोग यू you नो know, जैसे मे ट्वेंटीबर ट्वेंटी स्टडी मटीरियल से निकाला देन मे ट्वेंटी मटीरियल अभी इन्होंने फिक्स कर लिया है कि एवरी ईयर एक नया मटीरियल अपलोड करना है

नवंबर 23 एग्जाम्स तक सारे स्टडी मटेरियल का रिकनसिलेशन देता जाऊंगा सो आफ्टर माय बैच इज ओवर यू नो जो भी नया नया मटेरियल इंस्टीट्यूट इशू करता है उसमें आपको जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए दैट रिकन्सिलेशन विल बी गिवन टू यू आई ऑलरेडी गिवन इट टू अर्यर बैचेस इवन यू विल बी गिवन अबाउट गिव यू विल बी गिवन द अबाउटिलेशन तो अगर आगे के अटेम्प्ट के बच्चे बैठे तो रिलैक्स करो यू नो वंस आई हैव टेकन योर एडमिशन मीन यू आर अडोप्टेड यू सी आई हैव अ वेरी बिग स्टमक ऑल तो आप अडोप्टेड हो अभी तो आपका एग्जाम तक का ध्यान अभी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी सो जस्ट फोकस ओवर यूर ये दिख रहा है इनका मटीरियल हाउ मेनी चैप्टर्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी यूनिट्स ओके थ्री मॉड्यूल्स एंड एटीन चैप्टर्स एज वी सी ओवर चैप्टर्स ओके नाउ अगर आपका नोटबुक है आपके पास टेक्स्ट बुक में भी मैंने ये सेग्रीगेशन दिया पर अगर आपका नोटबुक है थोड़ा लिखोगे तो आपको खुद को क्लैरिटी आएगा वॉट यूर सपोज टू डू ऑल राइट नाव दिस होल स्टडी मटीरियल इन टू फोर थोड़ा वर्किंग करोगे प्लीज थोड़ा वर्किंग करोगे प्लीज अरे फिर वो आपको होता है ना डाउट लास्ट डे रिविजन नोट सर वॉट टू डू अबाउट दैट लास्ट डे रिविजन नोट ओके तो पहले ना फाइनेंस में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे मेरा स्टडी मटेरियल पता हो हाउ मच एम आई सपोज टू कवर बिकॉज आपका यार वो DT, IDT, FR, सब में प्रॉब्लम क्या हो रहा है आप महीनों तक लेक्चर अटेंड करते हो आप कितना कुछ पढ़ते हो बट लास्ट में अगेन दिस क्वेश्चन हैव आई कवर्ड एवरीथिंग तो व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट टाइम इन द फर्स्ट लेक्चर इट भाई क्या बाउंड्री है किसके अंदर हमें खेलना है ओके सो एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स ये पूरा सब्जेक्ट का नाम है सिर्फ ऑडिट सब्जेक्ट नहीं है

उट okay. we'll अगर आपको कुछ और इश्यूज आ रहे तो आप चैटबॉक्स में भी लिख सकते हो मेरे सामने चैटबॉक्स भी ओपन है आपके फेसिस भी दिख रहे हैं एटलीस्ट मुझे सो डोट वरी अबाउट ओके नाउ एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स सो योर सब्जेक्ट गेट्स डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट फर्स्ट पार्ट इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स द वेरी फर्स्ट पार्ट जिसके लिए मैंने आपको अलग से बुक दिया हुआ है ऐसे कंटेंट ऐसे क्वेश्चन बैग स्टैंडर्ड्सिंग ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंड वेरी फर्स्ट पार्ट नाउ दिस फर्स्ट पार्ट एक्चुअली कवर्स फोर चैप्टर्स ऑफ योर मॉड्यूल फोर चैप्टर्स ऑफ द आईसीआई मॉड्यूल और सर इसका एग्जाम में इंपैक्ट क्या आएगा आई थिंक सबको पता है अभी तो कि इसका एग्जाम में जबरदस्त इंपैक्ट होगा बट कंसिडर एन इम्पैक्ट ऑफ अराउंड ट्वेंटी इंक्लूडिंग योर एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी मार्क्स इंपैक्ट फॉर श्योर पकड़ के चलो एंड इसमें बेटा ज्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट करना पड़ता है बिकॉज आपका जो क्वेश्चन नंबर वन है ना क्वेश्चन नंबर वन इन योर क्वेश्चन पेपर विच इज कंपल्सरी उसमें स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं

कभी-कभी नेटवर्क इश्यू की वजह से थोड़ा एक दो सेकंड लैग करता है इफ देर इज टू मच ऑफ लैगिंग एंड इफ आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट लेट मी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट क्यों लगा था पेपर बिकॉज वट हैपेंड आप अगर सोशल मीडिया पर देखो सब जगह देखो तो जुलाई ट्वेंटी वन स्टूडेंट्स नॉट द पेपर काफी कुछ प्रॉब्लम हो गया था Right. तो कि कहा इनफ है और इंस्टीट्यूट ने एक गलती क्या कर दी आई एम से गलती क्या कर दी की नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड डिसम्बर 2020 थाउजेंड ट्वेंटी में मॉड्यूल को रिवाइज किया अब मे ट्वेंटी वन में एग्जाम है

वो ये जो आपको चार चैप्टर्स दिख रहे हैं ये चैप्टर्स में से यही कंसेप्ट को लिंक करके उन्होंने पूछे थे आई कैन प्रूव इट टू यू वंस वी आर डन विद द सिलेबस बट स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं था दे वेंट विथ ओल्ड नोट्स ओल्ड मटीरियल एंड दैट इज वाई देर कंप्लीटली थ्रैश इन द पेपर बट

Nice. but we don't see separately over here auditing pronouncements जो पहले दिखता था ये दिख रहा है नीचे मे 21 का मैंने ओपन किया लिंक अगर आपको पता चला तो अभी ये मे 21 वन मटीरियल लिंक अपलोड किया यह क्या दिख रहा है बेटा ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट ओके बट जब आप May 22 का link open करते हो यू डू नॉट सी ऑडिटिंग ऐसी वो स्टैंडर्ड्स के जो सारे कंसेप्टो कंसेप्ट से कॉपी पेस्ट किए फ्रॉम द बुक कॉल्ड एस ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट बट डोंट वरी पूरा ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट आई एम से इसमें से कौन से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या हो सकता है एवरीथिंग टेक्सट बुक्स टू यू बाय दैट इज वन बुक ऑन कंटेंट एंड वन बुक ऑन क्वेश्चन बाइड क्वेश्चन बैंक में आप कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखोगे जो हिस्ट्री में आज तक पूछे नहीं गए बट इन फ्यूचर दे कैन बी आस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट अब जो उनका पास्ट क्वेश्चन रिपीट करने का ट्रेंड है वो बहुत कम हो रहा है अभी उनका एवरी क्वेश्चन पेपर इज कमिंग अप अ न्यू सेट ऑफ ऑलराइट सो फुलडिटिंग प्रोनाउंसमेंट प्लस दीज फोर चैप्टर्स ऑफ द आईसीआई मॉड्यूल दैट फॉर्म्स माई वन बुक आई मीन वन पार्ट पार्ट वन एसे कंटेंट एंड ऐसे क्वेश्चन बैंक विच एज बीन कुरियर टू यू एम आई क्लियर विद ये Yes, sir. Okay. Now, अरे सब गए, में हम क्या करने वाले आर यू थ्रू विद यस चलो एक सब, हम सब कुछ दिखा या तो ऐसे नींद में ऐसे ऐसे कर लो चलेगा ओके नाउ, बात आती है दूसरे चैप्टर्स की एज आई टोल्ड यू दैट देर आर फोर पार्ट ऑफ योर सिलेबस वॉट एवर आई एम गोइंग टू राइट ओवर इयर इट इज नथिंग बट कंटेंट अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड्स But उसमें भी ब्रेकअप देना जरूरी सेकेंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड स्टूडेंट्स का फेवरेट ये अरेन्ज मैरिज नहीं है बॉस ये लव मैरिज है प्रोफेशनल एथिक्स कितना ऐसा एथिकल साउंड कर रहा है बोरिंग साउंड कर रहा है बट दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दिस इज नथिंग बट डूज एंड डोन्ट्स ऑफ अ चार्ट अकाउंटेंट बेस्ड अपॉन चार्ट अकाउंटेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन एंड द रेगुलशन गाइडलाइंस अलॉन्ग विद आई होप आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी एक अलग से कोड ऑफ एथिक्स है एटलीस्ट आपने कहीं पर सुना हो तो राइट आई एम नॉट गोइंग टू एज्यूम समॉक्टर के लिए होता है लॉयर के लिए होता है सबका अपना अपने कोड ऑफ एथिक्स होता है दैट इज डूज एंड डोंटर्ड अकाउंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग इन फैक्ट इट विल टेक अ लॉर्ड ऑफ लेक्चर ऑल्सो बट बेस्ट एंड द गुड न्यूज फॉर यू इज दैट इसका जो वेटेज है वो फिक्स है हर अटेम्प्ट में एंड दैट इज ऑफ 16 मार्क्स फिक्स वेटेज है सिक्सटीन मार्क्स इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम नहीं हो सकता एंड सुपर डुपर न्यूज फॉर यू इट इज पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स इट इज कंप्लीटली पॉसिबल टू स्कोर फुल मार्क्स मेनी स्टूडेंट्स नॉट वन और टू मेनी स्टूडेंट्स है सो यू नीड टू बी

थोड़ा लेट मैं क्यूरियर करता हूं बिकॉज उसमें कुछ जितने भी लास्ट मोमेंट तक के चेंजेस होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करके विदेन आई गिव इट यू ओके थर्ड पार्ट ऑफ एंड दैट इज कंपनी ऑडिट मजा आता था ना इंटरसीए लेवल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी डिस्वालिफिकेशन रिमूवल ऑफ ऑर्डर सारे प्रोफेसर भी वेन इट कम्स टू कंपनी ऑडिट एवरी वन ट्राइज टू शो ऑफ ऑल देर नॉलेज स्किल्स एवरीथिंग ओके एवरी वन लव टीचिंग सॉरी एट फाइनल यू मे और मे नॉट फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन दैट यू है लेवल मे और मे नॉट इनफैक्ट कुछ कुछ पेपर में जीरो वेटेज भी रहा है I'll tell you, फिर भी मैं इसको अलग से पार्ट क्यों दिखा का। तो दिखा रहा हूं बाजू बैट्स रोहित शर्मा सो क्या होता है कंपनी ऑडिट no okay. so, जैसे मैं लिखता हूं ना तो आपके माइंड में कुछ सेक्शन नंबर आना शुरू हो जातेक्शन वन थर्टी 139 टू सेक्शन 148 of Companies Act 2013. ये सारे सेक्शंस आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं बट जब आप फाइनेंस ईयर का कंपनी ऑडिट का मॉड्यूल देखोगे दिस देर आर सम अदर सेक्शन ऑफ कंपनी लॉ प्लस शेड्यूल थ्री

उंट्स ऑफ देश में रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडेटरी रीओपनिंग ऑफ बुक्सर्टी एंड एक्ट टू थाउजेंडी यहां से उन्होंने क्वेश्चन अब स्टूडेंट इज लाइक वॉस ये तो कितने महीनों सालों पहले किया था एंड ये कहां से आ गया बट इट इज देयर इन फाइनेंस ये कंपनी ऑडिट मॉड्यूल करेक्ट तो ऐसा नहीं कि वो लोग कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे वो लोग अपने कंपनी ऑडिट के मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछ रहे पर वो अपने मटीरियल से पूछ रहे जिसमें सिर्फ वन थर्टी नाइन टू वन फोर्टी एट नहीं है देर इज समथिंग मोर देन दैट देन देर इज एन एफ आर ए सेक्शन वन थर्टी टू नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी किस आजकल तो काफी हॉट टॉपिक चल रहा है तो किसको एप्लीकेबल है एनएफआरए क्या कर सकता है इसमें से पांच मार्क का क्वेश्चन आ गया था तो हर अटेम्प्ट में कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन होता है इट्स ऑलवेज देयर बट इट इज नॉट नेसेसरली फ्रॉम सेक्शन 139 टू 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एम आई क्लियर विद दिस यस सर अवेयरनेस रहेगा ना अवेयरनेस तो 40 50 मार्क्स तो यू ही आ जाएंगे आपको अगर आप सही से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है द डायरेक्शन ऑफ स्टडीिंग ऐसा नहीं है फाइनेंस के स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं डाल रहे ऑडिट सब्जेक्ट में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं बॉस दे आर आल्सो वरिड अबाउट देयर करियर किसको बार-बार पढ़ना है करेक्ट जस्ट दैट और राइट डायरेक्शन में जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो देन यू विल स्कोर मार्क्स ओके मैं बताऊंगा आपको कौन से कौन से कंपनी लॉ के दूसरे सेक्शंस हैं ऑफ कोर्स ये तो मैं नहीं पढ़ाता बॉस शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दिस यू स्टडी इन योर एफआर सब्जेक्ट

Don't write anything. Audit committee and corporate governance. Audit of consolidated financial statements. Audit of banks from Inter C I Jumps. Audit of insurance company. Audit of NBFC. Audit under fiscal laws. Tax audit. Audit of public sector undertaking. Liabilities of auditor. Internal management and operational audit. a due diligence investigation forensic audit.

एंड लेट मी टेल यू मैं ये सबको क्लब क्यों करता हूं कुछ पेपर में आप देखोगे ऑडिट ऑफ बैंक्स का क्वेश्चन है कुछ पेपर में आप देखोगे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन ही नहीं कुछ question है कुछ पेपर में आप देखोगे ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस के एट मार्क्स के क्वेश्चन कुछ पेपर में आप देखोगे एमसीक्यू जनवरी ट्वेंटी वन एमसीक्यूस जो बच्चा ये टॉपिक ऑप्शन में छोड़ के गया था पीयर रिव्यू जनवरी ट्वेंटी वन टेन मार्क्स एमसीक्यूटिस दिस अगर एक टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा गया

ॉजीपलबर so <laughs> okay. so, मंथ में एक फास्ट ट्रैक बैच लिया जिसमें द जुलाई ट्वेंटी काफी रिपीटर्स होते हैं उसके अंदर एंड यू विल नॉट बिलीव हर एक बच्चे ने एडमिशन लेते वक्त सिर्फ क्या पूछा नो वन आस्ट मी अबाउट स्टैंडर्ड नोवीउटल फोकस ऑन ऑल ऑफ टॉपिक्स प्रॉब्लम सबने क्या फेस किया कि एक ही चीज पूछा कि सर पार्ट फोर ऑफ दिलेबस आपके चैप्टर में कवर होगा सिलेबस में कवर होगा कि नहीं होगा एंड लेटम मैंने क्या किया पता है फास्ट ट्रैक बैच जो है ना मेरा उसमें पार्ट फोर ऑफ द सिलेबस जो है ना जो ये अदर चैप्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं इसको मैंने कंबाइन करके एक बुक बना दिया एंड यू विल नॉट बिलीव जैसे ये वर्ड आउट वर्ड बाहर गया ना कि पार्ट फोर ऑफ द सिलेबस के लिए प्रग्नेशन ने अलग से बुक बनाया है फ्रॉम सिक्सटी एट द एडमिशन विद इन वन वीक वेन टू टू हंड्रेड आ, फिर तो मैं छुट्टी पे चला गया वेकेशन करने <laughs> अच्छा यार नो नो द लर्निंग दैट यू शुड हैव फ्रॉम दिस कि बच्चे अगर फेल हो रहे तो कौन से पार्ट की वजह से हो रहे हैं पार्ट यू आस्क सिलेबस है ना जो एकदम छोटे छोटे टॉपिक से बेटा ये सारे बट यू नो म रिलेटिव टर्म वॉट में एक साथ इंस्टीट्यूट बच्चों को फेल कर रहा है एज सिंपल एज दैट सो इतना अवेयरनेस क्रिएट क्यों कर रहा हूं बिकॉज जैसे हम लोग पार्ट वन टू थ्री कंप्लीट करेंगे तो आप थक जाओगे भाई इसका चेहरा अब सहन होता भाई हमसे कुछ बच्चे तो अभी थक गए देन वैसे तो मैं क्लीन शेव वगैरह करके आया पार्ट फोर तक पहुंचूंगा तो मेरा भी ऐसा हो जाएगा सो डोंट वरी बैच स्टार्ट में क्लीन शेव से करता हूँ सो so, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी एनर्जी कम हो जाएगी बट बी बट डोंट फर्गेट दिस फर्स्ट आवर ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स आर फेलिंग बिकॉज ऑफ पार्ट फोर और यह सब क्यों हो रहा है लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली आई थिंक आपको काफी बच्चों को पता चल गया होगा बट लेट मी जस्ट शो इट टू यू मेरे को मेरा इंट्रोडक्शन देके ये सब करके बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट हुआ डोंट मेरे को ना मेरा इंट्रोडक्शन देने में ये सब में टाइम पास नहीं करना आई यू सी फ्रॉम द फर्स्ट मिनिट आई एम ऑन द सब्जेक्ट स्ट्रेट अवे बिकॉज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो आप मुझे दे रहे हो एंड आई अंडरस्टैंड दैट

इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन आ गया ये एक टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन आ गया ओके क्वेश्चन नंबर थ्री ए एक स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन दिख रहा है ओके okay. देन एक बैंक ऑडिट का क्वेश्चन दिख रहा है एंड देन एक जीएसटी ऑडिट का क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन फोर ये जो मैंने बोला ना सिक्सटीन मार्क्स कोर करने मिलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स ये रहा उसका एक क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन फोर ए क्वेश्चन फोर बी दिख रहा है ये क्या है विसल ब्लोअर पॉलिसी ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट से कॉपी किया क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चन फोर सी मैनेजमेंट ऑडिट ओ टिपिकल गेम ऑफ द इंस्टीट्यूट सबका प्रोफेशनल एथिक्स फेवरेट है मैंने कहा लव मैरिज अब बेटा अगर तुझे ये क्वेश्चन नंबर फोर ए के चार मार्क्स स्कोर करने हैं तो क्या तू दूसरे चैप्टर्स पढ़ के आया है कि नहीं आया अंडरस्टूड दिस बिकॉज फोर बी इज फ्रॉम यू सी ओवर हियर विसल ब्लोअर पॉलिसी ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एंड फोर सी इज फ्रॉम मैनेजमेंट ऑडिट जो पार्ट फोर ऑफ द सिलेबस है तो वो लोग क्या कर रहे हैं सुनो मेरी बात पार्ट टू एंड पार्ट थ्री जो सबका फेवरेट है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट क्लियर इतने साल हो गए बच्चा कौन से टाइम में क्या सोच रहा कब मुझे गाली दे रहा ना वो भी पता चल चुका है सो प्रोफेशनल सबकेट है तो पार्ट टू एंड पार्ट फोर सिंस इट इज ये पार्ट पार्ट टू फोर के साथ कंबाइन कर रहे हैं पार्ट फोर के साथ बिकॉज पार्ट फोर के टॉपिक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं All right? so it is typical attitude. Mommy, पता है बेटा, या कड़वी दवाई जब आपको खिलानी हो तो सामने चॉकलेट रखते हैं ये बेटा तुझे चॉकलेट चाहिए तो पहले दवाई खा ले। like कि अगर तुझे वो चार मार्क्स चाहिए प्रोफेशन के तो क्या तू जो दूसरे क्वेश्चंस है उसमें चार में से दो भी स्कोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अब बेटा सुनो इट इज लाइक क्रिकेट मैच आपको हर एक बॉलर में सिक्स टारगेट नहीं करना होता है अगर जसप्रीत बुमराह इज बॉलिंग ब्लडी जस्ट एनश्योर दैट यू डोंट लूज योर विकेट एंड स्कोर फोर और फाइव बट इफ इफ चहल इज बॉलिंग एंड यू डोंट स्कोर अ बाउंड्री आई विल हिट यू लाइक एनीथिंग करेक्ट सो बॉस इट इज समथिंग लाइक दैट फॉर स्टूडेंट ऑर नॉट फेमिलियर विद क्रिकेट आई एम सो सॉरी बट वी आर अट क्रेजी नेशन सोचा उसमें से एग्जाम्पल दे दू अब अगर अब अगर समझो आप ऑडिटिंग में आप रीजनेबली प्रिपेयर आप ऑप्शन में छोड़ के नहीं गए हो और जितना मैंने बताया उतना कर लेते हो करेक्ट आई एम ज्वाइनिंग हैंड can यू कैन अंडरस्टैंड ग्रेविटी ऑफ situation. देन इन दैट केस क्वेश्चन फोर ए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है उसमें से आप फोर मार्क्स को लो बाकी में से लेटर्स से कि आप 100 परसेंट स्कोर नहीं कर पाए टू एंड का स्कोरिंग किया गया है तो जीरो जीरो अब बच्चा करे तो भी क्या करे हर एक क्वेश्चन में उन्होंने ये गेम किया हुआ इन एवरी सिंगल क्वेश्चन यू वॉन्ट टू सी दिस क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में ये देखो सेक्शन 130 ऑफ कंपनीज एक्ट क्वेश्चन ऑडिट का क्वेश्चन तो ये रहा कंपनी सेक्शन का section ये रहा, पर क्या इसमें मार्क्स स्कोर करने के लिए आर यू रेडी फॉर अदर टू क्वेश्चन आई एम सॉरी आपको लगता होगा कि मैं अभी तक सब्जेक्ट क्यू स्टार्ट नहीं कर रहा हूं बट जब तक अवेयरनेस क्रिएट ना करू और ऐसे ही सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दू दे स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड कि उनको स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का अलग से बुक क्यों दिया गया Because पूरे में में उसके दिख दिख रहे हैं compulsory questions में दिख रहे हैं स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि जब मैं पार्ट फोर पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में क्यों लेके जाऊंगा you know, सिर्फ ethics, company audit दिखा हार्ट वी नीड टू विन students वोट पॉपुलर वोट what they डू इज they कीप ऑन टीचिंग प्रोफेशन एथिक्स कंपनी ऑडिट you know in great extent and then they just don't focus on other part of the syllabus which creates a problem all right students so i hope this much awareness is more than enough so part 4 please write down in your book special audits other assignments

स्पेशल ऑडिट्स एंड अदर असाइनमेंट जिनको बहुत ज्यादा लैग हो रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है अगर ऐसा है तो फिर वो लॉग आउट कर सकते हैं शाम को रिकॉर्डेड वर्जन देख लो एंड जस्ट है एक घंटा चलेगा okay. so, इसमें कौन से कौन से चैप्टर नंबर आए लुक एट दिस चलो लिखो फटाफट चैप्टर नंबर जस्ट अट चैप्टर फोर लिखो आईसीए मॉड्यूल का चैप्टर फोर राइट डाउन सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व मतलब सेवन टू ट्वेल्व देन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन थर्टीन से लेके सेवेंटीन टीन से लेके सेवेंटीन सो चैप्टर फोर सेवन टू ट्वेल्व एंड थर्टीन से लेके सेवेंटीन ओके एंड प्रोफेशनल एथिक्स के नीचे बेटा लिख लेना चैप्टर एटीन ऑफ द आईसीए मॉड्यूल एंड कंपनी ऑडिट के नीचे लिख लेना चैप्टर फाइव सो आई होप दैट रिकन्सिलेशन इज डन और आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो वी आर कवरिंग एवरीथिंग दैट इज देयर इन द आईसीआई मॉड्यूल बिकॉज

एंडस्ट पार्ट दैट टू डू इज ऑडिंग एंड आई हो आपको क्वेश्चन पेपर बहुत क्लियर पता है ये तो स्टूडेंट्स को पता ही होता है बट आई जस्ट क्विकली टेल यू थर्टी मार्क्स एम सी क्यू के हैं सेवेंटी मार्क्स डिस्क्रिप्टिव बिकॉज प्रिपेयर जब हम कोई भी कंसेप्ट पढ़ते ना तो आपका ऐसा दिमाग चलना चाहिए कि इसमें से एमसी क्यू आ सकता है क्या इसमें से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं क्या वैसे तो इन एवरी कंसेप्ट आई विल टेल यू वॉट पर आपका वैसे आपका भी थिंकिंग चलना चाहिए फॉर एक्साम्पल काफी बार ऐसा होता है ना बेटा प्रोफेसर जो होते हैं वो कंसेप्ट में एकदम डीप में चले जाते एंड एंड तक यही पता नहीं चला कि क्वेश्चन कौन सा है अंडरस्टूड दिस सो यू शुड रेज हैंड अंकल थैंक यू फॉर टीचिंग द बट क्वेश्चन कौन सा आएगा अंडरस्टूड दिस सो यू शुड स्टॉप मी नाइन 99% तो आपको बता ही दूंगा क्वेश्चन कौन सा आएगा बट यू शुड स्टॉप मी एंड यू शुड टेल मी के सर आपने कंसेप्ट पढ़ाया थैंक यू बट यू डिट टेलस एट दफ द डे एवरी वन इज सिटिंग ओवर हिटर टू क्लियर द एग्जाम्स बाकी ऑडिट कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में होता सबको पता है ना थर्टी मार्क्स के जो एम सी क्यू है जरा उसका फीलिंग लेते हैं हम लोग थोड़ा सा फीलिंग लेते हैं करेक्ट तो ताकि एकदम क्लैरिटी आए बॉस वट आर सपोज टू डू ओके सी दिस मॉक टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर ऑफ द आईसीआई चलो फाइनल न्यू कोर्स ऑनलाइन अभी से समझ लो आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा ताकि प्रिपेरेशन के वक्त यू आर वेरी क्लियर वाई अगर मैं कोई टॉपिक में डिटेल में जा रहा हूं तो क्यों जा रहा हूं आपको वेरी क्लियर हो यह चीज अब ये है आपका डिविजन ए एमसीक्यू वेटिंग रूम ऑफ रखा हुआ है सो यू कैन एक्सिट एंड ज्वाइन मीटिंग एट एनी अगर आपको कभी कुछ इशूजन ए एमसीक्यूज स्टूडेंट लेटर्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर वन टू टेन कैरी वन मार्क ईच एंड क्वेश्चन नंबर इलेवन टू ट्वेंटी कैरी टू मार्क्स इच सो वन टू टेन वन मार्क ओके सो ये सारे हो गए इंडिविजुअल एमसीक्यूज

उसमें अभी बाद में कुछ उन्होंने चेंजेस भी किए केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी लाए बट वहां पढ़ना ही नहीं होता था डायरेक्ट आप क्वेश्चंस देखो तो क्लियर हो जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें थियरी क्वेश्चन बट दीज इंटीग्रेटेड केस स्टडीज लेट मी टेल यू देर जेन्यून स्टडीज करेक्ट मीनस दे है तो करंट पैटर्न ये चल रहा है कि टेन इंडिविजुअल क्वेश्चन एंड टू केस स्टडीज और हर एक केस स्टडी के ऊपर पांच पांच क्वेश्चन अंडरस्टूड दिस ओके लिख लो लिख लो करंट पैटर्न ये पैटर्न अगर चेंज होगा देन आई विल लेट यू नो डोंट वरी मॉक टेस्ट पेपर कभी भी देख लेने का टू अंडरस्टैंड द पैटर्न टेन इंडिविजुअल एमसीक्यूज वन मार्क्स And two case studies. Five questions per case study. Two marks each. And Baki 70 marks descriptive me. It will be case study based. It will be pure theory.

ओके, okay. so ओके, करते हैं, प्लीज टेक आउट द बुक ऑफ पार्ट वन एस ए कंटेंट एंड यू हैव अ वेरी सॉर्टेड बुक विथ क्वेश्चन बैंक और जैसे मैंने कहा मेरा कवरेज क्या होगा चार चैप्टर्स ऑफ द आईसीए मॉड्यूल प्लस ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट ओके इसके पहले कि मैं जरा आगे जाऊ जरा फ्रेश पेज लो हेडिंग भी दे दो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स एंड कुछ कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ वो थोड़ा बोरिंग होगा आपके लिए बट आई एम सो सॉरी मुझे वो बताना ही पड़ेगा बिकॉज इट इज देयर इन द मॉड्यूल करेक्ट लेट मी टेल यू अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको लाइफ में फ्यूचर में कोई पूछने नहीं वाला है बट ओनली इन द क्वेश्चन पेपर इट कैन बी आस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में अच्छा थोड़ा इसका हिस्ट्री हिस्ट्री कहां से आए ये लोग इवोल्यूशन पहले बंदर थे फिर इंसान हुए सो द आई सी ए आई एवरीथिंग इन योर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द आईसी आई ओके okay. इन्होंने सबसे पहले सेटअप की रिसर्च कमेटी द आईसीआई सेटअप रिसर्च कमेटी ओके okay. ये रिसर्च कमिटी ने इश्यू किए देखो आपके पास इधर है टेक्स्ट बुक में पर मैं नोट्स भी लिख रहा हूं बिकॉज ये बोरिंग कंसेप्ट है आप फटाफट लिखोगे तो क्लियर भी होगा द काउंसिल ऑफ द आईसीआई सेटअप और रिसर्च कमेटी रिसर्च कमिटी ने सबसे पहले इश्यू किया स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस लिखो तो जरा स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस ओके विल गो वेरी फास्ट विद दिस ये तो फैक्चुअल नॉलेज है बॉस अच्छा ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है ये तो बेटा इंडियन सिनेरियो है ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा था तभी ग्लोबल लेवल पे जो बॉडी है विच लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स दैट इज आई एफ ए सी आई एफ ए सी वॉट इज द फुल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट लिखो एक पेपर में एक दो बार शायद लिखना पड़ेगा बिकॉज इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चन भी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ Accountants. थोड़ा years देख लो ना years, please. ये सब कब हुआ? Council of the ICI, 1955 Research Committee, 1964 प्रैक्टिसेस ओके ब्रैकेट में फटाफट फ़ड़ लिख दोगे प्लीज 1955, 1964. लाइफ में आज तक उन्होंने ये चीज पूछी नहीं है बट मॉड्यूल में फर्स्ट थ्री पेजेस में सो वी कांट इग्नोर इट ओके ग्लोबल सिनेरियो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ये बेटा ये थोड़ा लेट हुआ 1977 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स तब तक हम लोग अपना इंडियन वर्जन चला रहे थे सब चीजों का नाउ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स इन्होंने सेटअप किया लुक एट दिस इन्होंने सेटअप किया आई ए पी सी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने अलग से कमिटी बनाई जिसका नाम था ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी इंटरनेशनल लेवल की है तो आई ए अप आई ए ओके फुल फॉर्म यू कैन सी इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी अब बेटा ये इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी ने क्या किया लुक एट दिस इन्होंने सबसे पहले स्टैंडर्ड्स निकाले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दे इशूड आई एस ए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओके तो एक बार फॉरेन में कुछ चीज होना शुरू हो जाती तो हम लोग भी फिर उसको कॉपी करते हैं कि नहीं यार हमारा वाला अच्छा नहीं लग रहा इनका वाला अच्छा है सो so, इंस्टीट्यूट ने क्या किया रिसर्च कमिटी रिसर्च कमिटी जो उन्होंने बनाई थी उसको स्क्रैप कर दिया एंड दे कन्वर्टेड इट इनटू ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग और द आईसीआई ने अपनी खुद की बनाई एक ऑडिटिंग आई टेल यू ऐसा क्यों हुआ बिकॉज़ जितने भी जो इनके थे, IFA, CK, उन्होंने कमिट किया कि अब जो आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पूरा फॉलो होना शुरू हो गया ऑडिटिंग प्रैक्टिस ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी

आई डबल ए एस बी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड तो चलो फटाफट मुझे बोलो द आई एफ ए दिस फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट इज स्टिल दे क्रिएटेड ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमिटी देन दे स्क्रैप्ट एपीसी एंड उन्होंने बनाया आई डबल ए एस बी सो आई ए पीसी डॉ नॉट कन्वर्टेड इन टू आई डबल ए एस बी डबल ए एस बी का फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड तो टेल मी अभी आप ही बताओ तो हम द आईसीआई ने क्या किया होगा द ने एपीसी को स्क्रैप कर दिया बोला हम आपके साथ हैं एंड दे फॉर्म डबल ए एस बी ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड तो इस वक्त करंटली इंटरनेशनल लेवल पे है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड वेलकम टू द प्रेजेंट सिनेरियो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में कन्वर्ट हो गया इस वक्त ग्लोबल लेवल पे है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखता है एट ग्लोबल लेवल एंड एट इंडियन लेवल एट इंडिया वी हैव ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड वर्क्स अंडर द आई एंड इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इट वर्क्स अंडर द आई एम आई क्लियर विद दिस इसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम है नहीं फैक्चुअल है फिर भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो ऑलराइट right. अब ये डबल ए एस बी इन्होंने इश्यू किए देव इशूड ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स इन्होंने इशू किए ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स अब आपको समझ में आना चाहिए एवरीथिंग इज इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बिकॉज ग्लोबल लेवल पे आई डबल एस इशू है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंड बार बार अभी रिपीट नहीं करूंगा हम जो भी पढ़ रहे इट इज इन लाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ओके okay. इन्होंने जो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को इश्यू किया इसको आज की डेट में आज की डेट में इसको बोलते हैं दे आर प्रेजेंटली नोन एज एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स मेरे पास कंटेंट इतना सारा है ना बेटा पढ़ाने के लिए इसलिए मेरे पास जोक्स वगैरह का अलग से टाइम नहीं होगा आई एम सो सॉरी फॉर दैट ओके उसके लिए आपने पैसे भी पे नहीं किए जो भी इंटरेक्शन में होता है टाइम पास करने के लिए आई डोंट एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स ओके जूम सेशन तो मैं खुद ही यस सर बोल देता हूं मजा आता है अब ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू फाइव कैटेगरीज। चलो पहले थोड़ा लिखते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड दिस ओके एस क्यू सी एस एस आर ई एस एस आर एस लिखो लिखो वरना सो जाओगे लिखो एसक्यू सी एस ए एस आर ई एस एंड एस आर एस ऑलराइट ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखे ना वी विल फर्स्ट राइट देयर फुल फॉर्म एंड देन वी विल अंडरस्टैंड की हर एक कैटेगरी का मीनिंग क्या है क्यू इशू किया जाए ऑल राइट पहले थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस एसक्यू सी चलो फटाफट फड़। फुल फॉर्म लिखो सबका मैंने अभी तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया पांच कैटेगरी के बारे में स्टैंड ऑन क्वालिटी कंट्रोल ये तो सबका फेवरेट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक बार बेटा लिखोगे ना तो ग्रिप आएगा सिर्फ स्क्रीन शॉट लोगे तो क्या एग्जाम में स्क्रीन शॉट अपलोड करोगे फिफ्टीन ईयर डाउन द लाइन आई थिंक वो ऑप्शन आ जाएगा शायद जस्ट अपलोड द स्क्रीन शॉट्स ऑफ धान स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एस ए स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट एस आर एस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेस एसक्यू सी एस एस आरई एस एस आर एस ऑल राइट यस सर ये देखो ना ये खाली मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर लेकेगा जहां पर अलग अलग स्टैंडर्ड सब दिए हुए हैं ओके okay. तो ये दिख रहा है ये ये पहला कैटेगरी एसक्यू सी देन थोड़ा जूम क्या ओके पहला कैटेगरी एस क्यू सी देन ये एस ए देन यू सी दिस एस ए रिलेटेड सर्विसेस यहाँ पे एस आर ई स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट ओके अब ये सब अलग अलग कैटेगरी का सिग्निफिकेंस क्या है विल बी वेरी क्विक विद दिस

सो क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। ओहो हो बस इसका मतलब वन टू थ्री फोर ये चारों कैटेगरी में जो भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं, वो असाइनमेंट्स परफॉर्म करते वक्त

क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स टू बीप्टेड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स मतलब अपनी टीम को कैसे सुपरवाइज करते हो उनको इंस्ट्रक्ट कैसे करते हो डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हो बेसिकली आपके ऊपर जो भी आर्टिकलशिप में अत्याचार हो रहे हो सारे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स टू बी अडोप्टेड बाय द फर्म एल परफॉर्मिंग वेरियस असाइनमेंट्स वाय एल परफॉर्मिंग वेरियस असाइनमेंट ओके कितने स्टैंडर्ड्स है आपने खुद ही देखा अभी ओनली वन स्टैंडर्ड ओके एस ए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये तो सबका फेवरेट है आपका इंटरसाइट से भी syllabus, auditing, पूरा का जो सब्जेक्ट है, है वो कौन से असाइनमेंट के साथ डील करता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है अभी से में आते आते आपने आर्टिकलशिप में भी रिसर्च की होगी आपको इतना तो पता है ऑडिट इंटरनल ऑडिट कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम्स ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट इडली वाडा ऑडिट मेदू ऑड ऑडिस्ट सो मेनी ऑडिट्स इन मार्केट

एवरी वन ओवर हि प्लीज राइट आउ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन स्टूडेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कैटेगरी में टोटल थर्टी एट एसे लेकिन आपके सिलेबस में थर्टी फाइव एसेस दूसरे तीन ऐसे क्यू नहीं है वो भी बताऊंगा डोंट वरी अबाउट इट

अरे सिर्फ आवाज रिकॉर्ड होगा आपका और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा डोंट वरी थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन यस शिवानी यस बेटा यू आर इनटू लिस्टेड एंटिटी स्टैट्यूटरी ऑडिट सो टेल मी इज देर अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम सेबी दैट एवरी क्वार्टर दैट मीन्स एवरी थ्री मंथ्स देर टू बी अ रिव्यू ऑफ दैट एंटिटी यस yes, एंड बेटा वो महीने के बाद मतलब जैसे कि जून क्वार्टर एंड हुआ तो आप जुलाई में विजिट करते होंगे एंड आप उसका रिव्यू परफॉर्म करते होंगे और उसका एक रिव्यू रिपोर्ट बनता है करेक्ट ओके okay, और वो रिव्यू रिपोर्ट मैनेजमेंट को एड्रेस होता है एंड उसका एक कॉपी सेबी के पास जाता है दैट्स इट तो बेटा ये जो रिव्यू आप, आप आप आपके ऊपर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेशर कब होता है फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर या जब ऑडिट रिपोर्ट देते हो तभी सर एक्चुअली मैंने एक ही क्वार्टर के लिए अच्छा आपने एक ही क्वार्टर किया हुआ है, मतलब जस्ट नाउ वी गॉट द ऑडिट ओके वेरी गुड तो आप अपने यू नो जस्ट एन एवरीवन ओके देयर देयर आर अदर पीपल आल्सो अह हु इज यस मुस्कान कैन यू पार्टिसिपेट इफ इट इज पॉसिबल नो ओके यस धरानी Dharni Kumar. Yes. yes, sir. Yes, sir. So I was a part of stat audit and uh, currently even it's limited review is going. Limited on. review is going on, correct? And when yes. you talk about stat audit, so can I say that the maximum pressure on you is when you are performing stat audit, right? Stat audit, yes. So first three quarters, may you just do a limited review, correct? Correct. Yes. And then during the fourth quarter and the finalization, you issue an audit report, correct? Correct.

स्टैंड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट डील्स विद रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अगर प्योर मैथमेटिकल टर्म में भी देखे तो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों में कॉमन है मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सामिनेशन हो रहा है करेक्ट एक जगह पे ऑडिट हो रहा है दूसरी जगह पे रिव्यू मैं कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा देर आर सम स्टूडेंट्स जो प्रॉपर स्टैट ऑडिट बैकग्राउंड से उनको यह समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला पर कुछ स्टूडेंट्स तो टैक्स ऑडिट कंसल्टेंसी में तो मैं अज्यूम नहीं कर सकता कुछ भी मैं तो सारा एक्सप्लेनेशन देने वाला वालों बस ओके सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड ऑडिट एंड रिव्यू इफ यू कैन जस्ट टेक दिस वर्किंग ऑन अ न्यू पेज ऑडिट एंड रिव्यू टॉप ऑफ द पेज पे टेरेस टेरेस यूज करोगे तो भी चलेगा ऑडिट भी एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें भी एग्जामिनेशन तो हो ही रहा है और, ऐसे कैटेगरी में एंड रिव्यू में भी एग्जामिनेशन तो हो रहा है बेटा ऑडिट एंड ऑडिट इट इज अ रीजनेबल एग्जामिनेशन आपको पता है इंटरस लेवल का आपका फेवरेट लाइन डोंट फॉरगेट अबाउट दिस auditing is not an absolute assurance but it is a reasonable assurance it is a high level of assurance but not a guarantee it is a high level of assurance but not a guarantee what do we say in that audit report we hereby express our opinion to the best of our knowledge and information available with us that financial statements of the entity show a true and fair view blah, blah 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 so boss we understand that it provides Reasonable assurance, not an absolute assurance, but still a high level of assurance. Not a guarantee, but a high level of assurance. और ये आपने इंटरेस्ट लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है फिर भी मैं रिपीट तो करने वाला हूं बट इस वक्त मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं ऑनलाइन बट बेटा रिव्यू में एक चीज याद रखना जब भी आपको रिव्यू का असाइनमेंट मिलता है ना तो इट इज मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विथ लिमिटेड एक्सामिनेशन मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विथ लिमिटेड अश्योरस ओके धरनी धर मैं धरू बोलू क्या यस सर ओके धरू इफ इफ एट ऑल आई एम गेटिंग ग्रीड इनकेट ऑल यू है देखा हुआ जबरदस्त चलो एवरी वन रिव्यू कंसल्टेंसी यू कैन गेट इट फ्रॉम धरू ओके सो धरु रिव्यू रिपोर्ट में जो हम लोग वो जो कंक्लूजन लिखते हैं हमारा जो रिपोर्ट के अंदर देर वी यूज अ वेरी रेस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज Correct. We don't give reasonable assurance. Ah, so can you can you can you just tell me the English words that we use over there? To the best of the procedures performed, to the best of the procedures performed, hmm. we did not find any misstatements in the. Wait, 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 wait. This, this is what exactly I wanted. Wait, wait. Hmm. So Daru, in our audit report, we say that to the best of our knowledge and information available with us, financial statements are showing a true and fair view. Correct. Correct.

सो इन इनफैक्ट जो डिफरेंस है ना वो रिपोर्ट में भी दिखता है उसकी लैंग्वेज में भी दिखता है दैट डिफरेंस सो दिस इज द मीनिंग थैंक यू सो मच धरू थैंक यू सो मच दिस इज द रियल डिफरेंस बिट्वीन ऑडिट एंड रिव्यू वेन आई से लिमिटेड अश्योरेंस मीन्स वी राइट द वॉट एवर वी राइट इन द बिगिनिंग टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल विदेंट ऑफ वी से दैट We have not found financial statements to be materially misstated. This is the main language. We have not found financial statements to be materially misstated. <clears throat> Whereas over here in audit, in reasonable assurance to the best of our knowledge information available with us and stuff you know we hereby express our opinion that financial statements there are multiple languages that are used are showing a true and fair view or some auditors write that financial statements you know are as per applicable financial reporting framework and stuff

लेकिन हर एक क्वार्टर का एवरी थ्री मंथ हर एक क्वार्टर का एटलीस्ट एक रिव्यू रिपोर्ट तो होना चाहिए मीन एटलीस्ट एवरी क्वार्टरली फाइनेंसमेंट ऑल्डो नॉट ऑडिटेड बट इट शुड बी रिव्यूड ऑल राइट एंड दैट इज डन बाय द स्टैट्यूटी ऑडिटर ओनली सो द स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फर्स्ट थ्री क्वार्टर परफॉर्म्स अ वेरी लिमिटेड वर्क एंड देन ड्यूरिंग फाइनलाइजेशन ड रियल ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ओके आई आई नीड ए कंफर्मेशन फ्रॉम एवरी वन है डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू यस ओके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है थोड़ा एक मिनट टेक्स बुक पे आओगे क्या प्लीज मैं आपको इस वक्त ना पॉइंट नंबर फोर क्लियर कर रहा हूँ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड वो ठीक है बेटा वो फोर पॉइंट वन टू ऑल दैट इज फाइन वो सब मैं नोट में लिखा ही रहा हूं आपको पॉइंट नंबर फोर खत्म हो जाने के बाद दर इज वन नोट Difference between audit and review. okay can i एंड we'll रिव्यू just read this very quickly. Audit involves reasonable assurance. It means highest level of assurance, but not a guarantee. जिसके पास अभी तक बुक्स नहीं पहुंचा होगा वो यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, उसका जरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो ताकि पता चले इतना खत्म हुआ है देन you यू गेट द बुक्स यू कैन जस्ट डू इट ऑडिट reasonable assurance. इट means हाइएस्ट लेवल ऑफ assurance, बट नॉट अ गारंटी Report is prepared in the form of positive assurance. बेटा बेटा में 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 जो हम लोग और ये बोलते बोलते positive statement बोलते ना 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 इसको इसको. जब मैं आपको बोलता ना, good, positive. Not bad. बोला वो ही है. बोला कि आप अच्छे हो पर नेगेटिव सेंस में Understood this? Okay. तो ऑडिट में हम लोग कौन सा ग्रामर रखते हैं इंग्लिश का कौन सा ग्रामर रखते हैं है, इसलिए. रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव अश्योरेंस पॉजिटिव अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एस पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखना बस पोपट हो जाएगा आगे लिखा है मैंने एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव अश्योरेंस टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद एस

Based on our review, हम लोग लिखते हैं ये रिपोर्ट में. Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that accompanying financial statement does not give a true and fair view. मतलब अब तक जो हमने limited examination किया है, उसके हिसाब से कोई गड़बड़ मिली नहीं है. And that is what has been written over here. So this point difference between audit and review is of three marks. इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं दैट प्लीज प्योर प्योर थियरी प्लीज प्रोवाइड डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू रिव्यूट वी विल कम टू अवर वर्किंग वी विल कम टू ओवर वर्किंग ओके ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फॉर दिस टेक्सट बुक नोट टू पॉइंट नंबर फोर बेटा ऐसे सब लिखो यार फिर आपका ना कुछ ट्रैक ही नहीं रहता कौन सी चीज कहां पे है हिशम आप, आपका बेटा मैंने मैसेज पढ़ा चैट बॉक्स में वो तो क्या होता है मैं हर एक बच्चे का सिर्फ नाम नहीं लेता हूं आपने बोला, जस्ट रिपीट द बेसिक डिफरेंस विच यू मैंने रिपीट किया सो डोंट वरी आई एम रीडिंग एवरीथिंग सो ऑडिट आप अच्छे हो रिव्यू आप बुरे नहीं हो ओके दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड ऑडिट इन हिंदी ओके

तो बाकी का पढ़ा क्यों रहा है वे अरे बाबा इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है ना डिफरेंस वगैरह वो थियरी आ सकता है एस ए स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट उसमें आर थ्री एंड ये तीनों का तीन अलग अलग चीजों के साथ डील करता है मतलब ये कैटेगरी के लिए मैं आपको एक यूनिफॉर्म डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता हूं अंडर बिकॉज तीन स्टैंडर्ड्स है तीनों का तीन अलग चीजों के साथ डील करता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं Other और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड नहीं है तीनों के तीन स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ डेटा आपको क्लाइंट दे रहा है उसको हम एग्जामिन करके उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं बट डोंट वरी वो डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है कुछ और है एक स्टैंडर्ड में प्रोस्पेक्टस है दूसरे स्टैंडर्ड में कुछ और है डोंट वरी अबाउट इट तीनों के तीन आपके सिलेबस में नहीं है सो ज्यादा डिटेल में जाके मतलब भी नहीं है

ये हमारे जो है 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 ना ना इसका इसका एक करके दो ना, कितने से कितना ट्रेड पेंडिंग है, किस से कितना किससे करना है, अपॉन प्रोसीजर्स। अरे बेटा यही मतलब आपके और क्लाइंट के बीच में जो भी अग्री हुआ रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि अरे सुनो ना ये जो अपना पेबल्स है ना पेबल्स ना इसमें किसको पहले पे करना है क्या है किधर पेनल्टी क्लॉज है सब जरा एनालिसिस करके बताओ ना विल बी द बेस्ट थिंग फॉर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स अच्छा सुनो ना इधर ये जो इनवेंट्री शेड्यूल है ना शेड्यूल इसका जरा सर्टिफिकेशन करके दोनों जरा एक यू नो स्टॉक वेरिफिकेशन करके अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ए यू पी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके और क्लाइंट के बीच में जो भी अग्री हुआ रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अच्छा बेटा मैंने आपको ये जो भी एग्जाम्पल्स बताए उसमें मैं क्या आपके पास एंड एवरी वन विल रिप्लाई इन यस और नो वाई फॉर येस एन फॉर नो उसमें क्या मैं आपके पास कोई ऑडिट करवा रहा हूं कोई एग्जामिनेशन करके आपसे यू नो कोई रिपोर्ट बनवा रहा हूं मैं आपके पास इज इट लाइक दैट नो आई एम नॉट डूइंग दैट आई एम नॉट डूइंग दैट वेरी गुड आई एम रीडिंग इट यस ये तो मैं कर ही नहीं रहा हूं आपके okay? मैं सिर्फ आपसे कुछ हेल्प मांग रहा हूं कुछ डेटा बनवाने के लिए नो थोड़ा बहुत कंसल्टेंसी के लिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फिर ये जो दिख रहा है एस आर एस फोर फोर वन जीरो अरे सर सुनो ना ये मेरा कंसोलिडेशन अकाउंट है ना वो जरा बना के दो ना प्रिपेयर करके दो ना एग्जामिन नहीं बेटा एग्जामिन नहीं प्रिपेयर करके दो ना अरे सर सुनो ना ये मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट्स पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें से एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स का समरी बना के दो ना प्रिपेयर कर करके दो ना दैट इज कंपाइलेशन मींस क्लाइंट का डेटा को कंबाइन करो और कुछ ना कुछ जो लोग बोल रहे हैं वो प्रिपेयर कर करके दो इसमें भी मैं आपके पास कुछ एग्जामिनेशन नहीं करवा रहा हूं आई एम जस्ट आस्किंग यू टू प्रिपेयर सम एंड गिव इट टू मी सो बेटा एसआर फोर फोर जीरो फोर फोर वन जीरो दोनों में अगर तुम ध्यान दो मैं आपसे एक अलग रिपोर्ट ओपिनियन ये सब मांग ही नहीं रहा हूं एंड दैट इज वाई स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज का सबसे फेमस स्टेटमेंट आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा एसआरएस सस्ता अमिताभ बच्चन एस आर कैटेगरी में देर इज नो अश्योरेंस एमसीक्यू इन एसआरएस कैटेगरी यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अ डेटा आफ्टर इट्स एग्जामिनेशन नो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट Standards on related services. Related services, not assurance services, do not involve any assurance activity and hence no opinion is expressed under such standards. पर ये आपको तभी क्लियर होगा जब आप थोड़ा लिखोगे और थोड़ा मैंने जो एग्जांपल्स दिए उसका एक दो एग्जांपल लिखोगे डेट सिट. Please come to your working. Standards on related services. Please write down. Agreed upon procedures and compilation engagements. Uh, Urvi is asking this doubt, sir. Is system implementation covered under SRS beta? अगर आपको ऐसा असाइनमेंट दिया कि सिस्टम इंप्लीमेंटेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करके दो तो इट कैन बी कवर ये आप एस आर एस फोर फोर जीरो पढ़ोगे ना उसमें अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऐसा है तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी आपके और क्लाइंट के बीच में अग्री हुआ रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी द असाइनमेंट ओके अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल data's analysis preparing summary financial statements and most importantly please write down there is no assurance activity there is no assurance activity shivani very good doubt i will just take it up for discussion I minute उट no आया मैं आप नहीं पूछते ना तो मैं आपको डाट था दो मिनट के लिए आई एम सो हैपी शिवानी है मूड ऑफ द लेक्चर इज में पहले ये लिख के हो गया जो लिखा है वो करेक्ट अब शिवानी का डाउट है ए शिवानी ओके एनी ऑडिटर्स सर्टिफिकेट issued is covered under sa only right i have taken n number of finance ya batches and n number of times this question has come up everyone needs to now understand the difference between ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ अगर किसी को लिखना रहेगा तो सर्टिफिकेट वर्सेस रिपोर्ट ऑलराइट बेटा मैं जब भी बोलता हूं ना कि आपको एक रिपोर्ट इशू करना है अच्छा सुनो ये दोनों वर्ड्स डिफाइंड नहीं है कहीं पे ये इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट है जिसमें से ही मैं ये इंटरप्रिटेशन आपको लिखा रहा हूँ अंडरस्टूड दिस ओके काफी बार क्या होता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वर्ड्स में आप काफी सारे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ले लेते हो बट नॉर्मली एक जनरल इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट वर्सिस रिपोर्ट के डिफरेंसिस क्या है जब भी मैं बोलता हूं आपका रिपोर्ट आपको रिपोर्ट लिखना है रिपोर्ट दैट मीन्स यू आर सपोज टू एग्जामिन एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन सर्टिफिकेट में यू आर जस्ट वेरीफाइंग फैक्चुअल एक्यूरेसी जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक का जो इन्वेंट्री का शेड्यूल है इन्वेंट्री की जो डिटेल्स है उसमें मैंने आपको बोला मुझे स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दो इसका मतलब आप स्टॉक वेरिफिकेशन भी करोगे गोडाउन में जाके आप उस स्टॉक के ऊपर जो कंट्रोल्स है स्टॉक का जो एक्चुअल अमाउंट है सारा ऑडिट करके मुझे आप ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे कि मेरी जो स्टॉक की सिस्टम है वो किस से काम कर रही है, मेरा जो का वैल्यूएशन में ये हो गया स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट अब स्टॉक सर्टिफिकेट का अगर आपको असाइनमेंट मिलता है case, आपको सिर्फ क्या करना है का क्लाइंट की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है और जो स्टॉक रजिस्टर है उससे मैच करना है एंड थोड़े रीजनेबल क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो आप विजिट कर सकते हो या आप ना भी विजिट करो और आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ फैक्चुअल एक्यूरेसी चेक करके मुझे एक सर्टिफिकेट दे देना है और वो सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखना भी है दैट डिटेल्ड स्टॉक ऑडिट वाज नॉट कैरिड आउट आर यू गेटिंग माय पॉइंट

प्रैक्टिकल लाइफ में काफी बार क्लाइंट आपको बोलता है कि हमको सिर्फ एक स्टॉक सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन जब क्लाइंट के साथ टर्म्स डिस्कस होते हैं तो उसके अंदर वो बोलता है आपको स्टॉक का वेरिफिकेशन भी करना है वैल्यूएशन भी करना है ये भी करना है वो भी करना है सो एट दी एंड वो सर्टिफिकेट रिपोर्ट की तरह बन जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में इट विल डिपेंड कि आपका क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है टू और रिपोर्ट बट इन अवर बुक मीन्स यू आर जस्ट वेरीफाइंग यू आर जस्ट गोइंग विथ अ प्राइमा फेसी एविडेंस वेर एस वेन आई यूज द वर्ड रिपोर्ट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन विथ रीजनेबल सर्टिफिकेट के अंदर इन अवर बुक इन अवर बुक सर्टिफिकेट के अंदर देर इज नो अश्योरेंस एक्टिविटी एंड रिपोर्ट के अंदर सिंस यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफकोर्स येस देर इज एन अश्योरेंस एक्टिविटी बट प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि सर्टिफिकेट और रिपोर्ट ये वर्ड्स को क्लियरली किसी ने भी डिफाइन नहीं किया तो जो क्लाइंट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि आप एग्जैक्टली exactly करने क्या वाले हो वेदर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इट इज वेरी सिंपल जब कभी क्लाइंट आपको डेटा देता है एग्जामिन करके वो डेटा पे डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके ओपिनियन एक्सप्रेस करने बोलता है कि वेदर इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट देन इट इज अ रिपोर्ट वरना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ

इन सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ दिलेक्ट बट आई टेल यू बैंकिंग सेक्टर इंश्योरेंस कुछ सर्टिफिकेट ऐसे है जहां पे आरबीआई एंड आई आई डी ए वॉन्ट एन अश्योरेंस तो वो आपके लिए रिपोर्ट जैसे बन जाता है सर्टिफिकेट बोले okay. तो आपको क्लियरली नॉट ओनली सर्टिफिकेट रिपोर्ट कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपने सिग्नेचर के अंदर देते हो ना

ये मैंने आपको जो नोट्स में लिखा है और जो मेरी स्क्रीन पे इट इज व्हाट इज गिवन इन द बुक्स प्रैक्टिकल लाइफ में ये, dip, okay. ये कहीं ना कहीं आपको आगे काम आएगा बहुत काम आएगा ओके सो आई होप यू हैव है कंप्लीट सेट ऑफ नोट रिगार्डिंग एस क्यू सी एस एस आर एंड एस आर एस प्लीज कम टू द बुक प्लीज कम टू द बुक So, अपना बेसिक टाइमलाइन हो गया यहाँ पे एंड फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे ये बेटा आपका हो गया ये फोर पॉइंट वन फोर पॉइंट थ्री जरा एक ग्लैंस करो ना प्लीज अगर आपके पास बुक है फोर पॉइंट फाइव ओके खाली ये जो नंबर्स है ना नंबर्स का ब्रेकअप ये मैं अभी नहीं पढ़ाता हूं बस ये पढ़ा के क्या करूं अभी तक आपको नंबर्स पता ही नहीं है तो जब मैं एक्चुअली स्टैंडर्ड्स के अंदर जाऊंगा तब तो आपको बताऊंगा कि नंबर्स का अरेंजमेंट इस तरीके से क्यों है उसका एमसीक्यू पूछ सकते हैं वैसे तो ऐसे एमसीक्यू इंटरसियल लेवल पे होते थियरी एमसीक्यू बट कभी अगर इंस्टीट्यूट का मूड बदल गया या अगर पेपर सेटर ने सैटरडे नाइट को सेट किया तो पॉसिबल ऑल राइट

पहले तो ये लिखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अच्छा मैंने क्या बोला आपका सिलेबस क्या है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एस एज दैट मीनस वी आर डीलिंग विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम लोग अभी उसके अंदर ही जाएंगे ओके एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस एस इज इट मैंडेटरी टू फॉलो एस एज यू नो वेल आई एम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एग्जाम्पल चलो आप येस yes या नो no में रिप्लाई करना एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने कोई भी एक्ट ने नहीं बोला उसको ऑडिट करवाने के लिए एक पार्टनरशिप फर्म है जिसने मुझे अपॉइंट किया है एज एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म उनको कुछ लोन सैंक्शन करवाना है उनको कुछ और इन्वेस्टर्स चाहिए दैट इज वाई दे आर गेटिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फ्रॉम मी फ्रॉमटरीली डू यू थिंक दैट आई शुड मैंडेटरीली फॉलो द स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग विच आर इश्यूड बाई द आईसीआई यस चलो यस बोला आपने आई एम वेरी हैप्पी विथ दैट रीजन किधर लिखा है किधर लिखा है मोमेंट यू कैन बी दीरो और हीरोन ऑफ द बैच ओके अस्मिता इफ यू कैन अनम्यूट इट्स ओके यस अस्मिता से लिखा है ऑडिट की डेफिनेशन में और ऑडिट की डेफिनेशन पे लिखी गई है <laughs> <laughs> मॉड्यूल में है तो सर लिखना तो पड़ेगा अच्छा बेटा ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट जो है ना ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट जो इंस्टीट्यूट इश्यू करते हैं उसका जो प्रीफेस है ना प्रीफेस उसमें लिखा है अंडरस्टूड दिस

जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हो तो आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा ऑलरेट एवरीवन कम ऑन हीना हीना थोड़ी नींद आएगी दैट्स ओके कम ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ़ एस डिवाइड इनटू टू राइट डाउन अगर आपको यह क्वेश्चन आया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज तो मैं आपको रेफरेंस लिखा था एक तो प्रीफेस टू ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स में लिखा है और किधर लिखा है कि मैंडेटरीली फॉलो करना है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज के केस में प्लीज राइट डाउन द रेफरेंस सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 एंड सब सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो मैं कंपनी ऑडिट कराऊंगा ना तो उसमें आ जाएगा ये डिस्कशन डोंट ओके 143 सब सेक्शन 9 एंड 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ओके ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर एंटिटीज अरे बेटा चाहे मैंडेटरी हो या वॉलेंटरी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है यू मस्ट फॉलो एसे बाय बिकॉज इट इज रिटर्न इन प्रीफेस टू ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स उंसमेंट प्रीफेसिंग प्रोनाउंसमेंट ओके चलो स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग तो फॉलो करना है ये अभी एस्टैब्लिश हो गया लेकिन काफी बार पढ़ाई करते वक्त या काफी बार आपके आर्टिकलशिप आई डोंट नो वेदर हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स यू नो सिर्फ एक हेडिंग दे देता हूं वेरियस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश बाई द आईसीए कभी ऐसे वर्ड्स आए आपके सामने आईसीआई ने ये चीज़ के ऊपर स्टेटमेंट निकाला हुआ है या आई सी ए आई ने यह चीज के ऊपर गाइडेंस नोट निकाला हुआ है शायद आर्टिकलशिप में कोई एक प्रैक्टिकल इशू सॉल्व करते हुए आपने कोई कोई ना कोई स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट ऑफ द आईसीआई का रेफरेंस लिया होगा ओके okay. स वेरी गुड आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फर्स्ट लेक्चर है तो सर मिलेगा बाद में आपको भावनी देंगे हम ओके ना स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नो नबी भी इंस्टीट्यूट बोलता है कि देर विश अ स्टेटमेंट तो हाथ जोड़ो और बोलो येस सर बिकॉज इट इज मैंडेटरी स्टेटमेंट आर मैंडेटरी देर इज नो इफ नो बट टू दैट यू हैव टू फॉलो वट एवर इज गिवन इन दैट स्टेटमेंट राइट सो स्टेटमेंट आर ऑलवेज मैंडेटरी ओके okay. जब भी इंस्टीट्यूट बोलता है दैट अ गाइडेंस गाइडेंस नोट नोट के अंदर जो भी कुछ लिखा है बेटा यू शुड फॉलो दैट यू मस्ट नहीं बोल रहा यू शुड फॉलो दैट इन ऑल ऑर्डिनरी सिचुएशन लेकिन गाइडेंस नोट में एक इफ इफ है इज अ ट्विस्ट अगर आपको लगता है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कि आपका जजमेंट इज मच बेटर देन इज गिवन इन द गाइडेंस नोट इफ यू हैव वैलिड रीजन फॉर इट यू कैन फॉलो योर ओन जजमेंट

अरे पर अभी आपने ऑप्शन ही दो दिए तो सी बेटा मतलब क्या होता है Normally, okay, वो लिखा था मैं परी। लेकिन एक और, एक और चीज बताना है सुनो ना कुछ कुछ गाइडेंस नोट में इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है कि कभी कभी ऐसे हिडन एडजस्टमेंट प्रीफेस होता है ना प्रीफेस फर्स्ट पेज उसमें वो लोग बोलते हैं दिस गाइडेंस नोट इज मैंडेटरी तो फिर आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा तो इसलिए ना गाइडेंस नोट के लिए सबसे बेस्ट लाइन क्या है गाइडेंस नोट आर रिकमेंडेटरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द आईसीए ये गाइडेंस नोट के लिए सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन है इडेंस नोट आर रिकमेंडेटरी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाई दी मतलब अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं लिखा तो समझ लो रिकमेंडेटरी ओके बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिकमेंडेटरी प्लीज यहां पे लिखोगे वी आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो गाइडेंस नोट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस Unless we have valid reasons to follow our own judgment, we are expected to follow guidance note in ordinary circumstances unless we have valid reasons to follow our own judgment. All right.

समझो मैनेजमेंट ने अगर वो अकाउंटिंग का स्टेटमेंट फॉलो नहीं किया है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा अरे रिपोर्ट में लिख देगा कि इट इज नॉट फॉलोड अंडरस्टूड दिस और क्या कर सकते हैं हम लोग थोड़ी मैनेजमेंट को मार सकते हैं सो लुकट दिस अकॉर्डिंगलीस्चार्जिंग दर अटेस्ट फंक्शन इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट फर्स्ट अकाउंटिंग मैटर टू एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट रिलेटिंग टू अकाउंटिंग मैटर्स are complied with in the presentation of financial statements covered by their audit. In the event of any deviation from such statement. But a deviation means it has not been followed. What you are supposed to do, you have not done. Okay. It is their duty to make adequate disclosures in their audit report. So that the users of financial statements may be aware of such deviations. Very simple English labels. अच्छा ऑडिटिंग मैटर के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट ने कोई स्टेटमेंट दिया जैसे कैश का वेरिफिकेशन कैसे करना है वगैरह ऑडिटिंग मैटर के ऊपर अगर इंस्टीट्यूट ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो कम, तो वी हैव टू फॉलो इट मैनेजमेंट फॉलो फॉलो करेगा वी हैव टू इट और समझो अगर हमने वो फॉलो नहीं किया तो लेट लेटेस रीड क्या लिखा है लेट रीड क्या लिखा है ऑडिटिंग मैटर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट मस्ट एंश्योर दैट स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू ऑडिटिंग मैटर्स आर फॉलोड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कवर्ड बाय देयर ऑडिट रिपोर्ट अगर वो स्टेटमेंट जो इंस्टीट्यूट ने दिया अगर आपको फॉलो नहीं कर पाए लुक एट दिस इफ फॉर एनी रीजन ये एमसी क्यू बीन एबल टू परफॉर्म एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद सच स्टेटमेंट हिज रिपोर्ट शुड ड्रॉ अटेंशन टू द मटीरियल डिपार्चर्स फॉर एग्जाम्पल कैश के लिए वेरिफिकेशन के लिए अगर आपको बोला हुआ है कि आपको सरप्राइज चेक्स करने हैं प्लस ईयर एंड पे आपको कैश का वेरिफिकेशन काउंटिंग करना है हार्ड कैश जो भी उसका काउंटिंग वगैरह करना है अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो कोई भी रीजन से लेटर से कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई वॉट एवर इट इज कोई लॉकडाउन हो गया वॉट एवर इट इज तो आप अपनी रिपोर्ट में तो एटलीस्ट आपको लिखना पड़ेगा दैट तो तो यू आर नॉट एबल टू फॉलो दिस यू विली गिव द डिस्कलोशर तो बॉस पता क्या चला प्लीज कम टू अर नोटबुक प्लीज कम टू अर नोटबुक प्लीज कम टू अर नोटबुक ओके स्टेटमेंट्स पे हैश करके स्टेटमेंट्स ऑन कमऑन क्विकली अकाउंटिंग मैटर ऑडिटिंग मैटर जो अकाउंटिंग मैटर पर स्टेटमेंट्स है उसमें हमारी मेन ड्यूटी क्या है वी नीड टू चेक नेजमेंट हैज कंप्लाइड और नॉट उसको कंप्लाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो तो मैनेजमेंट की हम तो चेक करेंगे वेदर है ऑल राइट और स्टूडेंट जिसको थोड़ा लैक करता है ना फटा फटाफट लॉग आउट करके लॉग इन बेटर हो जाएगा ओके वी नीड टू चेक वेदर मैनेजमेंट हैज कंप्लाइड और नॉट In case of any deviation, mention it in the report. In case of any deviation, mention it in the report. Okay. So, one a statement on accounting matter, one statement on auditing matter. शिवानी विच पैराग्राफ एंड स्टफ वो तो मैं जब ऑडिट रिपोर्ट पढूंगा तभी अभी तो नेक्स्ट दो तीन लेक्चर पूरा ये चलने वाला एकदम यू नो ऑल द बेसिक्स एंड स्टफ सो वेदर एम्फोसिस ऑफ मैटर अदर मैटर की ऑडिट मैटर ओपिनियन जब इसके अंदर हम जाएंगे तब बताऊंगा मैं बस इतना बता रहा हूं कि रिपोर्ट में लिखना है ऑल ऑडिटिंग मैटर का अगर कोई स्टेटमेंट है ऑडिटिंग मैटर का अगर कोई स्टेटमेंट है

जो बोलता है कि आपको एक बार सरप्राइज चेक करना है कैश काउंटिंग का और एक बार आपको ईयर एंड पे कंपलसरीली कैश काउंट करना है अंडरस्टूड दिस एंड बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन यू आर नॉट एबल टू कंडक्ट ईयर एंड फिजिकल कैश काउंटिंग तो टेल मी इज इट एंड बिकॉज फॉर दैट लेटेस्ट से आपने कुछ अल्टरनेट प्रोसीजर्स पर जैसे आपके पास जो भी का, पहले का काउंटिंग था उसके बाद जो भी रिसीट पेमेंट हुआ उसका रिकनसिलेशन करके आपने एक एस्टिमेटेड फिगर लगाया कैश का उसके हिसाब से यू नो वॉट एवर मैनेजमेंट ने जो फिगर बोला आपने अपने हिसाब से रिकनसिलेशन किया और वो जाने दिया रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाने दिया बेसिकली आप एक्चुअल फिजिकल कैश काउंट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन तो ऐसा नहीं आपने वेरीफाई नहीं किया आपने कुछ और किया टेलमी so ये डी फॉर डिपार्चर है कि डी फॉर डेवियेशन यू हैव टू राइट इट डिपार्चर और डेविये वॉट यू डिड वॉज अ डिपार्चर और डेविएशन आई एम गेटिंग अ मिक्स रिस्पॉन्स डिपार्चर डिविएशन इसका मतलब काफी बच्चों को डिपार्चर और डेविएशन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है ये जो हुआ ना बेटा इट इज अ मटीरियल डिपार्चर इट इज अ मटीरियल डिपार्चर मैं करना नहीं चाहता था ऐसा नहीं है मैं करना चाहता था बट बिकॉज ऑफ सम अनेबल सर्कमस्टेंसेस मैं वो नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैठा रहा मैंने कुछ और किया हां मैंने जो किया इट इज मच डिफरेंट देन वॉट इज गिवन इन द स्टेटमेंट पर मैंने अल्टरनेट तरीका यूज करके उसको वेरीफाई किया अच्छा मैंने वो नहीं किया जो स्टेटमेंट में है बट ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं किया सो so, हां मैंने डिपार्चर लिया इट वॉज अ मटीरियल डिपार्चर सो इन स्पिरिट आई ट्राइड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स बट इट इज नॉट द सेम एज इट वॉज गिवन इन दैट स्टेटमेंट सो इट इज अ अटीरियल डिपार्चर समझो कि कोविड लॉकडाउन नहीं है और मैं कैश वेरिफिकेशन के लिए गया ही नहीं नाउ टेल मी दिस इज अ डिपार्चर और डेविएशन नाउ यू आर वायलेटिंग इट इवन दो इट वॉज पॉसिबल टू डू इट बट यू आर नॉट डूइंग इट इज अ डेवियन दिस इज अ डेवियेशन हमेशा एक चीज याद रखना जब भी बोलू ना डिपार्चर मीन यू है कुछ अलग किया जो करना चाहिए था उससे कुछ अलग किया लेकिन वायलेट नहीं किया है बॉस वायट नहीं किया है जब भी मैं बोलू ना डेविये डिविये मतलब आपने वायलेट किया चीजों को आप वो कर सकते थे फिर भी आपने नहीं किया आर यू गेटिंग माई पॉइंट येस और नो सर अच्छा मैं ये क्यों इतना डिटेल में जा रहा हूं बिकॉज अब मेरी बात ध्यान से सुनना अगर ऑडिटिंग मैटर के ऊपर कोई स्टेटमेंट है स्टेटमेंट एंड इफ देर इज अ मटीरियल डिपार्चर तो वो लोग बोलते हैं प्लीज हाईलाइट इट इन द रिपोर्ट पर ऑडिटिंग मैटर के ऊपर अगर कोई स्टेटमेंट है और आपने उसको वायलेट किया इफ इज अ डेविएशन तो पता है क्या होगा देर विल बी एन इंक्वायरी अपॉन यू ऑन चार्ट एज पर चार्टाउंटेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन एंड यू कैन बी हेल्ड गिल्टी यू कैन ऑल्सो लूज योर डिग्री दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन जब मैं प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर कराऊंगा अरे सर एक साथ इतना क्यों कनेक्ट कर रहे हो लेक्चर वन से मैं सारी चीजों को कनेक्ट करूंगा बिकॉज़ आपके पेपर में आने वाली है इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज एंड यू शुड बी रेडी फॉर दैट आर यू गेटिंग माय पॉइंट पूरा सब्जेक्ट कनेक्ट करके वो लोग पूछने वाले हैं सो इन केस ऑफ एनी डेविएशन बॉस इट कैन लीड टू एन इंक्वायरी ऑन ऑडिटर

परफॉर्मिंग अल्टरनेट प्रोसीजर्स आप एक काम करो टॉप ऑफ द पेज पर लिख दो परफॉर्मिंग अल्टरनेट प्रोसीजर्स ड्यू टू अनेबल सर्कमस्टांसेस डेविएशन मीन्स वायोलेटिंग द रिक्वायरमेंट्स वायोलेशन मतलब क्या आप कर सकते थे फिर भी नहीं किया डेवियेशन मीन्स वायोलेटिंग द रिक्वायरमेंट्स ये सिर्फ याद रखने के लिए फ्यूचर में फ्यूचर में मैं कभी भी डिपार्चर या डेविएशन वर्ड यूज करूं तो आपको समझ में आना चाहिए डिपार्चर नॉट मीन दैट यू हैव वायलेटेड यू हैव अचीव्ड द पर्पस बट बाय डूइंग समथिंग डिफरेंट ओके इफ इट वॉज पॉसिबल ट्विंकल इज आस्किंग दिस इफ इट वॉज पॉसिबल फॉर यू टू गो फॉर कैश वेरिफिकेशन एंड स्टिल यू परफॉर्मड अल्टरनेट प्रोसीजर्स तो ऐसा नहीं चलेगा बॉस अगर स्टेटमेंट है कैश वेरिफिकेशन पे कि आपको जाके वेरीफाई करना है तो करना है बॉस ऑलराइट तो जहां पे स्टेटमेंट में एक बार बोल दिया कि आपको एक्स चीज करनी है तो करनी है वो तो अन अवॉइडेबल सिचुएशन में आप कुछ अलग करते हो तो फिर वो हो गया मटेरियल डिपार्चर जो आप रिपोर्ट में हाईलाइट कर सकते पर बॉस अगर वो पॉसिबल था फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो, तो वायोलेशन ही होगा वो five, four, three, two, one. That's my countdown for asking doubts. Anyone else? Okay. Can I go ahead? Yes. Yes, sir. Okay. ओके दैट्स इट अभी कुछ और बड़े बड़े डाउट्स जो बड़े बड़े चैट बॉक्स में सब बड़ा बड़ा लिखते हैं ना तो भाई मैं रात को 12:00 बजे आपके साथ चैट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपके इतने बड़े बड़े मैसेजेस पढ़ूंगा इसलिए आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन है अगर बड़े बड़े डाउट्स हैं ना तो फिर आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो

वो बोलते रहते ना सब लोग वन करोड़ और मोर वी रिपोर्ट फ्रॉड टू देंट्रल तो उसमें कौन से टाइप ऑफ फ्रॉड रिपोर्ट होते हैं अलग अलग क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है उसका पूरा एग्जांपल्स के लिए इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट इश्यू किया है ऑलराइट सो गाइडेंस नोट ऑन फ्रॉड रिपोर्टिंग तो बेटा जहां पे भी ऐसे सेक्शंस होते हैं ना जहां पे इंटरप्रिटेशन के इश्यू होते हैं ये जहां पे ऑडिटर को बहुत सारे एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं वहां पे इंस्टीट्यूट इशू करता है गाइडेंस नोट

of Companies Act, 2013. Virali, we will discuss about this doubt in audit report discussions, what you've asked. For example, guidance note on fraud reporting under section 143, subsection 12 of Companies Act, 2013. Okay. Chalo, abhi guidance note, kya likha hai? Guidance notes are therefore recommendatory in nature. गाइडेंस नोट्स भी दो चीजों पे हो सकती है अकाउंटिंग मैटर पे ऑडिटिंग मैटर पे वेरी सिंपल लुक एट दैट अकाउंटिंग मैटर अकाउंटिंग मैटर पे अगर कोई गाइडेंस नोट है तो फॉलो किसको करना है मैनेजमेंट को ऑडिटर तो सिर्फ चेक करेगा नोट और अगर समझो उन्होंने वो गाइडेंस गाइडेंस नोट नोट फॉलो नहीं भी किया है तो इट्स ओके okay यार बिकॉज में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में आप खुद का जजमेंट फॉलो कर सकते हो लुक एट दिस हाँ इतना वेरीफाई करना पड़ेगा वेदर दे देयर ओन जजमेंट जब कभी गाइडेंस नोट कोई भी अगर फॉलो नहीं करता है The basic verification that needs to be done is whether there are valid reasons to follow their own judgment or not. Okay. Guidance note on auditing matter. Auditing matter, we have to follow it. Member should ordinarily, please circle the word ordinarily, follow recommendations in a guidance note relating to an auditing matter except, circle, where is satisfied that in the circumstances of the case, it may not be necessary to do so. Okay.

न आई से ऑडिटर शुड मैंडेटरी डिस्कलोज इट इन ऑडिट रिपोर्ट और स्टेटमेंट जब अकाउंटिंग मैटर पे कोई स्टेटमेंट है और मैनेजमेंट अगर उसको फॉलो नहीं करता है ऑडिटर को कंपलसरीली अपनी रिपोर्ट में डिस्कलोज करना पड़ेगा लेकिन अगर अकाउंटिंग मैटर पे कोई गाइडेंस नोट है जो मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता है तो देखो इंग्लिश देखो मेंबर यानी Started accountant should consider whether keeping in view the circumstances of the case, a disclosure in his report is necessary. So, if management is not following guidance note on accounting matter, auditor may or may not disclose it in his report. Auditor may or may not disclose it in his report. I want a confirmation. Is everyone through with this? Yes or no, sir? भूल जाती याद आती ओके कम टू योर नोटबुक सॉरी जस्ट राइट डाउन गाइडेंस नोट ऑन बेटा एक काम करो इधर आ जाओ इधर आ जाओ एक गाइडेंस नोट पे डबल हैशटैग करो इधर स्टेटमेंट पे हैशटैग किया था फिर ये पूरा वर्किंग बनाया था स्टेटमेंट का वैसे गाइडेंस नोट पे डबल एसटेक करो गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग मैटर ऑडिटिंग मैटर जो मुझे मेन स्टेटमेंट है वही मैं लिखा रहा हूं फटाफट जमेंट डॉट फॉलो गाइडेंस नोट प्रैक्टिकल लाइफ बताओ ना मुझे प्रैक्टिकल लाइफ अगर मैनेजमेंट गाइडेंस नोट को फॉलो नहीं करता तो आप क्या बोलोगे थैंक यू सर आप ही हमको पैसे देते हो सर अभी हम कुछ नहीं करेंगे तो वैलिड रीजन तो होने चाहिए yes, okay. तो मैं आपको बेटा थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूं आपका फ्लो ऑफ थिंकिंग कैसा रहेगा इफ मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो गाइडेंस नोट check whether there is a reasonable justification आपको अगर गाइडेंस नोट और स्टेटमेंट्स के अलग अलग एक्साम्पल चाहिए ना कौन सी कौन सी चीजों पे गाइडेंस नोट एंड स्टेटमेंट है तो इंस्टीट्यूट का अगर आप वेबसाइट पे जाके सिर्फ गाइडेंस नोट स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको सब लिस्ट मिल जाएगा ओके आफ्टर द लेक्चर भी मेरे साथ बैठ सकते हो और भी डिस्कशन वगैरह करना है तो डोंट वरी इफ मैनेजमेंट डज नॉट फॉलो गाइडेंस नोट चेक द रीजनेबल जस्टिफिकेशन यस नो अगर बेटा रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं ये चीज को रिपोर्ट में नहीं लिखूंगा Because, एक तो गाइडेंस नॉट फॉलो करना कंपलसरी नहीं था उन्होंने जो भी दूसरा अपना जजमेंट फॉलो किया उसके लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी है तो मैं रिपोर्ट में ट्रीटमेंट so, थोड़ी हम लोग रिपोर्ट में हाईलाइट करते मे नॉट हाईलाइट इड इन द रिपोर्ट मतलब समझो आपको अगर एमसी क्यू तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ रिपोर्ट इड इ रिपोर्ट हाँ लेकिन अगर गाइडेंस नोट में जो लिखा था वो मैनेजमेंट ने फॉलो नहीं किया एब्रप्टी कोई अपना ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं एंड दे डो नॉट है रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर दैट ओ हो तो फिर बबा मुझे रिपोर्ट में हाईलाइट करना ही पड़ेगा एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इसके लिए रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है Then in that case, मस्ट हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट यू मस्ट हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट यस ओके इज एवरी थ्रू विथ दिस कोई किसी को कुछ बीच में डाउट आ रहा है दे कैन जस्ट रेज हैंड ओवर कियर में एक पांच सेकेंड रुकाऊ एरिवन ओके या

exceptional circumstances we may follow our judgment provided you have valid reasons और इसमें ऐसा कुछ आगे डिस्कशन नहीं है कि रिपोर्ट में लिखना है नहीं लिखना है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ये देखो लास्ट में मैंने जो आपको सबसे पहले बताया था देर आर हाव फ्यू गाइडेंस नोट्स इन केस ऑफ विच का जो मैंने आपको सबसे पहले बताया सो बी केयरफुल स्टूडेंट्स ये आपको यूट्यूब पे जो अलग अलग एकदम शॉर्ट मैरेथ रिविजन देखते हैं सो so इवन मेरे पास भी वो मटीरियल है देने के लिए ऐसा नहीं ये रहा देखो पहले तो मैंने आपको एकदम शॉर्ट में समझाया Documents issued by the ICAI statements mandatory, guidance notes, recommendatory, unless otherwise specified by the ICAI Done. ye tha mera YouTube moment. But when we actually go into the lecture, we realize that there is so much more discussion on statements and guidance notes. dekho आप revision purpose के लिए short videos वगैरह follow करो, that is okay. मैं मुझे किसी से भी कोई problem नहीं है. पर जो professors ऐसे बोलते हैं कि मेरे 5 घंटे या 10 घंटे के marathon videos देख लो तो आपका पूरा audit subject खत्म हो जाएगा. ये बेटा they are selling fake dreams. आजकल क्या हो रहा है ना बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पे है यूट्यूब पे है कितने सारी चीजों से आप कनेक्टेड हो और आपके पास इतना सारा मटेरियल अवेलेबल है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो सो इन ऑडिट सब्जेक्ट प्लीज फॉलो वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू बिकॉज यू हैव ट्रस्टेड मी तो प्लीज ट्रस्ट मी टिल एंड वरना शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज मैं भी आपको दे सकता हूँ उल्लू मैं भी बना सकता हूँ आपको बट बी केयरफुल ये सिर्फ मार्केटिंग पॉइंट होते हैं टू मेक वन सेल्फ सेलेबल दैट्स इट ओके सो वी आर डन विद स्टेटमेंट एंड गाइडेंस नोट्स

अरे को लेवल वन एंटिटीज लेवल टू एस एम ये वो जरा पढ़ लेना प्लीज आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ ए एस, एस ओके सेवेंथ पॉइंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग प्लीज राइट ऑन नोट्स जो मैंने आपको नोट्स में भी कराया और वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट वो सब यहां पे लिखा है

कम बैक प्लीज कम बैक देखो सर इंट्रोडक्शन का पॉइंट खत्म हो गया क्या पॉइंट नंबर टू एंड थ्री पे आ जाओ सर पॉइंट नंबर वन तो वो टाइम लाइन था आपका point बाकी सब मैंने क्या क्या इंटरेस्टिंग खत्म करती है अभी चलो फटाफट कम टू पॉइंट नंबर टू ये ऑल माई स्टूडेंट्स ऑल मुंबई स्टूडेंट ऑफ बी कॉम हुई फाइव पॉइंट लुक एट दिस स्कोप एंड फंक्शन ऑफ डबल ए एस बी ऐसे फालतू थियरी क्वेश्चन आए अगर लुक एट दिस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है आपकी लाइफ में स्कोप एंड फंक्शन एंड थर्ड पॉइंट देखो ये बात तो फिर तो फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोसीजर फॉर एसेस चलो फटाफट खत्म करते हैं स्कोप एंड फंक्शन ऑफ डबल ए एस बी इधर देखो तो अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग नाम की कोई चीज है करेक्ट स्टेटमेंट नाम की कोई चीज है स्टेटमेंट गाइडेंस नोट नाम की कोई चीज है

The main function of AASB is to review existing auditing practices and to develop stand statements and standards on auditing so that these may be issued by the Council of the Institute. Then, while formulating the essays, AASB takes into consideration ISA. What is ISA? International Standards on Auditing. Issued by baba, abhi juna ho gaya. IAPC. Basically, abhi hai? IAPC is International Auditing and Assurance Standard Board. एप्लीकेबल पूरी दुनिया को और इंडिया को कंसिडर करके वो लोग अपने स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करते Then, finally, बेटा जब भी कोई ऐसे होता है ना करके होता है ना, तो मी टेल यू डबल ए एस बी के जो चेयरमैन है उनकी सिग्नेचर नहीं चलेगी इट हैिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट बेटा ये खाली एमसीक्यू के लिए मार्क कर दो जब कोई ऐसे एक्चुअली इशू होता है तो इट इज अंडर द दिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट डबल एस उसको फॉर्मुलेट करेगा सब करेगा बट फाइनली इशू होगा बाय द काउंसिल फिर और क्या डबल एस बनाएगा गाइडेंस नोट को बनाएगा फिर टाइम टू टाइम ये सब चीजों को रिव्यू करेगा अपडेट करेगा अमेंडमेंट लाएगा और क्या करेगा और आपकी लाइफ खराब करेगा नो 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 आई एम आई आई फॉरगेट समाइम्स रिकॉर्ड ऑल आइट स्कोप एंड फंक्शन ऑफ डबल एस बी अगर ऐसा थियरी क्वेश्चन आया तो थ्री मार्क्स अराउंड होगा नथिंग मोर देन दैट एंड यू हैोसीजर फॉर इशूंग एस एस बेटा ये ध्यान से हूं कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहां पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीनस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ही लिखना पड़ेगा सेकंड पॉइंट को सेकेंड पॉइंट ही लिखना पड़ेगा सो प्लीज राइट डाउन सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट स ऑफ पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कुछ बच्चे कोड वर्ड बनाने के चक्कर में कुछ कुछ आंसर में कुछ कुछ ट्वेंटीन करना चार्ट ओके प्रोसीजर फॉर इशूंग एस एस जरा देखो फटाफट अच्छा इधर देखो जरूर सबसे पहले तो डबल ए एस बी डिसाइड करेगा कौन से एरिया में स्टैंडर्ड्स चाहिए करेक्ट फिर उसको बनाना पड़ेगा ना तो बनाने के लिए एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करेगा स्टडी ग्रुप्स बनाएगा फिर उसको फॉर्म्युलेट करेंगे काउंसिल ऑफ द आईसीआई की टेबल पे रखेंगे काउंसिल ऑफ द आईसीए अगर उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करेगा फाइनली उसको इश्यू कर देंगे दैट्स इट दैट्स इट लुक एट दिस द डबल ए एस बी डिटरमाइंस ब्रॉड एरियाज इन व्हिच एसएस नीड टू बी फाउंड सो फर्स्ट वेयर इज द नीड दैट दे आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कहां पे नीड है कहां पे प्रायोरिटी है नेक्स्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एस एस फिर उसको बनाएंगे ना डबल ए एस इज असिस्टेड बाई स्टडी ग्रुप क्या है स्टडी ग्रुप्स कुछ नहीं बेटा अलग अलग चार्ट अकाउंटेंट्स को बुलाते हैं जैसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बुलाएंगे इंडस्ट्री से बुलाएंगे प्रैक्टिसिंग सी को बुलाएंगे लुक एट लुकेट्यूटेड टू कंसिडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्टडी ग्रुप प्रोविजन इज मेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स

उंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूटिडर इलेक्शन चल रहे फोन आ रहे रोज रोज ये नया क्या निकाला यार ये सब चार्ट अकाउंटेंट जो इलेक्शन में खड़े उन्होंने फोन के लिए नया क्या निकाला ये आर्टिकल फोन करता है मेरे को और बोलता है आई एम पार्टनर ऑफ दिस

फाइव सिक्स सेवन ऑल डन ओके अब बेटा क्या होने वाला है आपके साथ नैचुर स्टैंडर्ड्सिंग एक, 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 एक करके स्टार्ट हो गया जैसे ऐसे टू हंड्रेड टू वन जीरो पर बिफोर आई स्टार्ट विथ एनी स्टैंडर्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़े ये मेरा एक स्टाइल है इट इज लाइक टीचिंग एबीसीडी ऑफ स्टैंड बिकॉज जब तक ये क्लियर नहीं है आपको तब तक आप एक भी स्टैंडर्ड को स्टार्ट नहीं कर सकते अब आप कोई भी स्टैंडर्ड अगर आपको स्टार्ट करना है तो कितने सारे है जो एक साथ सारे स्टैंडर्ड्स में आते एंड इज वाई टू ऑफ सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फर्स्ट डू दीसीडी देन लर्न द चैप्टो बेसिक कंसेप्ट टू लर्न एसे प्लीज गिव दिस टाइटल इन योर नोटबुक ऑल्सो एक फ्रेश पेज अगर पॉसिबल अगर आपका दिल मानता है तो प्लीज गिव दिस टाइटल एसे बेसिक्स एसे बेसिक्स ओके एंड द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट जो वर्ड आपका फेवरेट रहा होगा इंटरसियल लेवल पे वन ऑफ द फेवरेट टॉप फाइव टॉप टेन में होगा ये ऑडिट सब्जेक्ट में जिधर जगह मिला ठोको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ओके इंटरेस्ट ये तो पूरा इट्स लाइक अ लॉन्ग क्रैश कोर्स नौ महीने में ग्यारह सब्जेक्ट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑल राइट डन चलो बॉस सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कोई भी एंटिटी

नेक्स्ट टेन मिनट या फिफ्टीन मिनट्स में आपको पता चलेगा क्या जबरदस्त कंसेप्ट बट पहले थोड़ा सिंपल सिंपल एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्लीज राइट डाउन एप्लीकेबल गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके हमारे लिए कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑल एट एवरी वन ओवर हियर प्लीज आपको पता है देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक है जीपीएफएस और दूसरा है एसपीएफएस वॉट इज जीपीएफएस जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉट इज एसपीएफएस स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेलमी समथिंग

तो बैंक एक अपना कस्टमाइज फॉर्मेट देता है बोला इसके हिसाब से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो और इसका ऑडिट करवा के आओ तो अब जो एक्स लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है इट इज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर बैंक तो वो हो गया स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल इट इज बींग प्रिपेयर फॉर सम सिलेक्टेड यूजर तो सुनो भाई इसको थोड़ा इंग्लिश में लिखेंगे कैसे जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउन एरो करो राइट डाउन

Common financial information needs of all users of financial statements. Okay, special purpose financial statements. Kamatlab? Financial statements prepared to serve specific information needs. of the intended users of financial system, specific information needs of intended bank. Oh bank, तू kya dekhna chahta hai Specific information needs of the intended users of financial system. <coughs> तो सार general purpose यानी जो सभी के लिए बनता है, special purpose यानी specially किसी के लिए बनता है, but you can't write such Uh, भाई टाइप ऑफ लैंग्वेज इन देपर दे इना फिर तू अटेम्प देता ही जाएगा रियल गुड इंग्लिश आर थिंकिंग की ये एनिमल कहां से आए सो मुंबई बैकग्राउंड से है तो थोड़ा हिंदी हम लोग का थोड़ा आगे पीछे होता है से दो आरो निकाल रहे है? पहले इधर बात सुनो जरा। मैंने बोला ना यू है टू हंड्रेड से लेके एसेवे ट्वेंटी ये है आपका सिलेबस एंड टू हंड्रेड से लेकर सेवन ट्वेंटी एवरी सिंगल एस एस विध ऑडिट ऑफ जनरल इनफैक्टर में नहीं है इट टेल्स यू हाउ टू ऑडिट स्पेशल स्टेटमेंस तो ये हो गया लास्ट लेक्चर ऑन स्पेशलियल स्टेटमस अब इसके बाद हम जो भी डिस्कस करेंगे इट विल एवरीथिंग विल बी फॉर जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमस एवरी वन ओवर अब जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर भी दो चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ दो स्टे, दो वर्ड लिखता हूं तो क्या सब पहले ध्यान देंगे वरना लास्ट हाफ एन आवर चल रहा है तो छोड़ यार अभी तो क्या है ये सब जगह पे बैठ बजा सकता है ये अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं

चलो प्रथमेश प्रथमेश से आगे जाते हैं प्रथमेश बोलता है मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है यार इफ यू कैन कम इन टू दिस ओके मुस्कान सिचुएशन अगर आप डिस्कस करना चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो प्रथम yes, यार आप कैसे बोल सकते हो क्लाइंट को अगर उन्होंने सारे डिस्कलोशर्स दे दिए एज पर नो शेड्यूल थ्री एंड स्टिल यू आस्क देम दैट इसका भी अलग से नोट दो इसको भी एक्सप्लेन करो और आप हक से बोलते हो ये करो

एडिशनल नोट्स की भी जरूरत होती है इफ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ द यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए शेड्यूल थ्री एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बिकॉज उसमें सिर्फ एक्स को एक्स लिखना ऐसा नहीं है एडिशनल डिस्कलोजर्स देने की भी जरूरत पड़ सकती है दिस इज वन थिंग ऑल एड एवरी वन नाउ कम इन टू द डिस्कशन कम ऑन और मजा आएगा बिकॉज इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है हमारे आंसर में

अब जितने भी यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इनडेस के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो मुझे मैं अब जो नेक्स्ट सिचुएशन देने वाला उसमें आप क्या करोगे प्लीज बोलना पार्टिसिपेट करोगे तो इट विल बी मच बेटर लेट अस से दैट मैनेजमेंट का साइनिंग हो गया अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट थर्ड पार्टी को इश्यू नहीं हुआ है साइनिंग हो गया कंपनी की प्रिमाइसिस में ही पड़ा हुआ है नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे कि जो कुछ लीगल केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहे थे उसके आउटकम आए एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द नेटवर्थ उनका वाइप ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ द पेनल्टीज दैट दे आर सपोज टू पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो चुके हैं थर्ड पार्टी तक अब तक इश्यू नहीं हुआ है विल यू आस्क देम टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री Will Will you you pass them them to ask? Uh, will you ask them to pass an adjustment entry? Okay. मैं अभी uh, चैट बॉक्स में नॉर्मली सबके लिए ओपन नहीं रखता क्योंकि मैं अपने मैं मुझे देखना होता है इसलिए बट मेरे पास इस वक्त जो चैट बॉक्स में रिप्लाई अगर उसका पोलिंग परसेंटेज होता ना तो इट इज फिफ्टी फिफ्टी यस नो 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 ऐसा आ रहा है कंटिन्यूसली मतलब ऐसा आ रहा है ओके अब आपको तो पढ़ा दिया है

बेटा ये तो मैंने एक पॉइंट बताया सोचो आप कंटेंजन लाइबिलिटी प्रोविजन इंपेयरमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ओ माई गॉड ऐसे कितने सारे पॉइंट्स हैं जिसमें जजमेंटल इंटरप्रिटेशन के इशू होते हैं कितनी बार एफआर के प्रोफेसर ने आपको बोला होगा ये ये भाई तुझे ये करना है ना तो तू कर तू भी करेक्ट है मैं भी करेक्ट हूँ लेकिन तू एक काम कर इसको नोट्स में लिख देता अंडरस्टूड दिस यही तो ब्यूटी है दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क पता है कोई भी फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का होता है जब उसमें दो दोनों में से कोई एक चीज हो लेट मी नाउ राइट इट इन इंग्लिश फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वन राइट्स विथ मी है नो इट इज अ फ्रेमवर्क स्क्राइब बाय लॉ और सम ऑथोरिटी विच मस्ट बी फॉलोड जो फॉलो करना चाहिए लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता उसके अंदर प्लस देर इज वन मोर थिंग देर इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द मैनेजमेंट To provide additional disclosures to achieve fair presentation beyond the disclosures required by the framework. मतलब की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई जितना हमने बोला है उतना तो तू कर लेकिन एडिशनल डिस्कलोजर भी दे दे इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर प्रेजेंटेबल एंड एवरी वन कि एफआर का जब भी आप कोई सम सॉल्व करते हो तो शेड्यूल थ्री ए एस तो फॉलो करते करते हो बट एडिशनली अगर कुछ और एडजस्टमेंट्स है तो उसकी भी नोट्स प्रोवाइड करते हो येस yes, बिकॉज वो कौन सा फ्रेमवर्क है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या तो आपके साथ एफआर में क्या होता है कि कुछ 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 पॉइंट्स में क्लैरिटी नहीं होती या कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लगता है नहीं शायद ऐसा नहीं अगर एक्स नहीं अगर वाई करेंगे तो बेटर रहेगा तो समटाइम्स यू फॉलो योर ओन जजमेंट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर प्रेजेंटेबल सो और आप कुछ और करते हो आप बेटा वायलेट नहीं करते हो आप कुछ और करते हो मटीरियल डिपार्चर्स आर अलाउड टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन इन रेयर सर्कमस्टेंसेस मटीरियल डिपार्चर इसलिए मैंने डिपार्चर वर्ड को आज क्लियर किया इन रेयर सर्कमस्टेंसेज मटीरियल डिपार्चर्स आर अलाउड टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन मीन इवन दोन इवेंट विच इज ऑकर्ड आफ्टर मैनेजमेंट साइंड द फाइनेंशियल But since those accounts were not yet issued to third party, you asked management to again call a meeting and sign the revised accounts so that more presentable financials can be issued to the users because there was an outcome which was wiping off the 20% of net worth because of the penalties. decision, you violate financial statements presentable.

ई वॉन्ट अ कंफर्मेशन इज एवरी वन क्लियर विद यस नो सर ओनलीन गो एड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओके चलेगा Now, everyone over here. मेरी सब जगह पर नजर है कंप्लाय फ्रेमवर्क अच्छा कोई बिचारा यहां पर वैसे तो ऐसा मैंने हर बैच में पूछा है बट कोई मुझे मिला नहीं ऐसा शायद होगा तो बच्चे रेस हैंड नहीं करते होंगे कोई ऐसा गरीब आर्टिकल है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिट में है एनीवन नो नो इट्स ओके बाबा इट्स ओके okay. कोऑपरेटिव बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी होती है सो इट्स ओके एनीवन कोई रहेगा तो भी हाथ ऊपर नहीं करते यार इट्स ओके कम ऑन आई एम विथ यू डोंट वरी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के ना अकाउंट्स देखो कभी एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अकाउंट्स कौन किसके हिसाब से बनाने होते हैं थैंक यू सो मच जय श्री कृष्णा वर्नक्युलर लैंग्वेज सुपर्ब सुपर्ब आई विल टेल कृष्णा आपको पता है uh, मेरा मेरा एक दोस्त था हमले हॉस्टल में था वो गुजराती मीडियम से था और मैं इंग्लिश मीडियम से और वो भाई साहब को ऑल इंडिया रैंक 33 आया और मेरा 8 मार्क्स से रैंक छूट गया बिकॉज़ हम लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं हमको लगता है हम कुछ भी लिख देंगे चलेगा लेकिन जो वर्नैक्यूलर से होता है ना उनका क्या होता है हर एक वर्ड के ऊपर फोकस बड़ा जबरदस्त होता है उनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है पर उनको लगता है कि उनको नहीं आ रही है इसलिए उनका फोकस बड़ा जबरदस्त होता है जब लैंग्वेज वाला बच्चा पेपर लिखता है ना तो एकदम ऑडिट के वर्ड प्रॉपर लिखता है तो आपको तो एग्जामेशन आना ही आना डोंट वरी अबाउट इट सो कृष्णा टेल मी समथिंग मेरे को टेंशन है सब इंग्लिश मीडियम वालों का इधर कुछ भी लिख के आते हैं सो टेल मी समथिंग कोऑपरेटिव uh, सोसाइटी का आपने किया हुआ है बेटा ऑडिट कुछ यस सर वेरी गुड तो बेटा उसमें जो अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स वो कौन बनाता है ये uh, sorry, ये अकाउंट्स अकाउंट्स सॉरी कैसे बनाने होते हैं कहां पे लिखा गया है जैसे कि शेड्यूल थ्री और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं करेक्ट तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को अकाउंट्स किसके हिसाब से बनाने किसने बोला है कि भाई ऐसे अकाउंट्स बनाने आपको अच्छा कृष्णा इतना बताओ आपको पता है कि हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी

उसके बाद एडिशनल डिस्कलोजर देने हैं नहीं देने हैं फेयर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना है ये सब कुछ लिखा ही नहीं गया मीन्स इट इज वेरी सिंपल जो रजिस्ट्रार ने बोला है वो करके उनको दे दो तो बेटा कृष्णा ऐसे जो अकाउंट्स के फॉर्मेट होते हैं उसमें सिर्फ कंप्लायंस के ऊपर जोर दे रहा है या ये जो फॉर्मेट है वो फेयर प्रेजेंटेशन के लिए भी मेहनत कर रहा है आपको समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है यस सर एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट कि कॉपरेटिव सोसाइटी का जो मैंने आपको बैकग्राउंड दिया कि कॉपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट्स है वो रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं कि इस तरीके से बनाने उसके बियॉन्ड देर इज नो स्ट्रेस कि भाई कैसे एडिशनल डिस्कलोजर्स देने हैं या डिपार्चर्स अलाउड है कि नहीं अलाउड है तो कॉपरेटिव सोसाइटी का जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है उसका इंटेंशन सिर्फ कंप्लायंस है कि भाई हमने जो बोला वो कर दो कि उसका इंटेंशन सिर्फ कंप्लायंस नहीं, नहीं 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 बाबा वो लोग के लिए भी पीछे है वो लोग का का सिर्फ कृष्णा इसलिए सोसाइटी के जो अकाउंट्स हैं थैंक यू सो मच कृष्णा फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अकाउंट्स हैं वो जो अकाउंट्स आर फेमसली कॉल्ड एज कंप्लायंस फ्रेमवर्क फेमसली कॉल्ड एस फ्रेमवर्क। बिकॉज उसके अंदर बहुत सिंपल है इट इज अ फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ ऑथोरिटी विच मस्ट बी फॉलोड बस इसके बाद एडिशनल डिस्कलोजर देने हैं नहीं देने हैं डिपार्चर अलाउड है नहीं अलाउड है कुछ बोला ही नहीं

मिनट ये इतना बड़ा कंसेप्ट समझाने का इंटेंशन क्या है अब मैं जो बोलने वाला एवरी वन प्लीज स्टे फोकस्ड इसके बाद लेक्चर खत्म करता हूं जब भी आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिट करते हो ना वेन यू ऑडिट अंडर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यानी समझ लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी का जब आप ऑडिट करते हो तो हम लोग रिपोर्ट के अंदर ये लिखते हैं दैट ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू फेयर व्यू क्यों लिखते हैं बिकॉज कंपनीज एक्ट में जो शेड्यूल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस है वो लोग फेयर प्रेजेंटेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं दे हैली लिखा गया है कि अगर आप कंप्लायस फ्रेमवर्क के अंदर ऑडिट करते हो तो आपकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर यू विल नॉट यूज द वर्ड फेयर व्यू

फेयर वर्ड यूज नहीं होना चाहिए दैट इज द इंपॉर्टेंस बेटा सबको क्या लगता है पता है ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर भी वर्ड तो यूज होता ही ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर वर्ड तो यूज होता है बिकॉज आज तक आपने कौन सी ऑडिट रिपोर्ट देखी हुई है सारी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट देखी हुई है और कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके हिसाब से बनते हैं एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेम इसलिए आपको ऐसी इंप्रेशन आ चुकी है कि हर एक ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर भी वर्ड तो यूज होता ही है विच इज रॉन्ग ऐसी अगर ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने आई जो कंप्लाय फ्रेमवर्क के हिसाब से बनी है वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू आई वॉन्टर्मेशन है पहले समझा कंसेप्ट कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऐसे कोई फेंकने वाला वर्ड नहीं है यहां पर जाके एम सी क्यू आ सकता है अंडरस्टूड दिस ओके तो सब लोग आप क्या करोगे थोड़ा शांति से लिखोगे ओके एवरी वन उट्स ऑल्सो डोट वरी सर मुझे बताओ प्लीज कन्फर्म है थोड़ा जीपीएफ इसका मीनिंग लिख, लिख लिया था सब लोगों ने ओके तो जीपीएफएस को दो में डिवाइड कर दो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क दोनों के पहले एग्जाम्पल लिख लो ताकि क्लियर हो ऊपर लिख लो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अकाउंट्स ऑफ कंपनीस कंप्लायस फ्रेमवर्क अकाउंट्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी कृष्णा का तो एग्जैमशन पक्का है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ओके डाउन एरो प्लीज राइट डाउन फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ स्लैश ऑथॉरिटी विच मस्ट भी फॉलोड देखो शेड्यूल थ्री एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लॉ या ऑथोरिटी ने प्रिस्क्राइब किया हुआ तो फॉलो तो करना ही है विच मस्ट भी फॉलोड कंप्लायंस फ्रेमवर्क में लिखो अ फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ और ऑथोरिटी विच मस्ट भी फॉलोड अच्छा दोनों में शेम सेम लिखना है शेम सेम लिखना है बिकॉज इतना तो कॉमन है दोनों में Which must बी followed अब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं ओके अब आ जाओ जरा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में यहां पे प्लस जो शेड्यूल थ्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो फॉलो करना है प्लस या तो ये होना चाहिए लिखा हुआ फ्रेमवर्क के अंदर या तो यह होना चाहिए इधर ए और बी दोनों में से कोई एक भी चीज हो तो वो फ्रेमवर्क बन जाता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क डिवाइड इंटू टू एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्कलोजर्स एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडिशनल डिस्कलोजर्स

और बी इन रेयर सर्कमस्टेंसेस जैसे ये इवेंट्स ऑफनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाला मैंने आपके सामने जो ऐसा एग्जांपल रखा जहां पर मटीरियल डिपार्चर्स आर अलाउड टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन कुछ अलग कर रहे हैं बट फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए इन रेयर सर्कमस्टेंसेज मटेरियल डिपार्चर्स आर अलाउड टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन ऑल राइट डन ऐसा कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय लॉ अथॉरिटी विच मस्ट बी फॉलोड एंड देर आर नो फर्दर एक्नोलेजमेंट एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यानी उसमें ये ए और बी में से कुछ भी नहीं लिखा होता ओके okay. अब ये पूरा कंसेप्ट क्यों पढ़ाया प्लीज राइट डाउन वन नोट आफ्टर दिस मतलब आप वो चार्ट के नीचे लिखो तो बेटर है वरना नेक्स्ट पेज पे ले लो। इन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आप ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड भी यूज कर सकते हो या तो आप दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेड फेयरली वी कैन यूज सच वर्ड ऐसे words आप यूज कर सकते हो कौन सी ऑडिट रिपोर्ट पे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एज पर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ओके, okay. लेकिन अगर ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेड एज पर कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में ंट यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू फेयर व्यू तो यूज नहीं कर सकते फेयरली ऐसा भी यूज नहीं कर सकते अरे सर तुम लोग यूज क्या कर सकते हैं फिर ऐसी रिपोर्ट में ऐसी रिपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं पता है बेटा ऐसे लिखते है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर मटीरियली एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिर्फ ऐसा लिख देते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कॉपरेटिव सोसाइटी के वो मटीरियली एज पर एफ आर एफ प्रिपेयर हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली एज पर एफ आर एफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर एज पर मटीरियली एज पर एफ आर एफ आप ट्रू एंड फेयर भी यूज नहीं कर सकते आप प्रेजेंटेड फेयरली यूज नहीं कर सकते पर आप ये लाइन यूज कर सकते यस एवरीवन कंटेंट बुक में आ जाओ फटाफट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस चलो चलो जराधर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डोप्टेड बाई मैनेजमेंट एंड वेर अप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विदर्न तो गवर्नेंस कौन है द पीपल हुई कंपनीज केस में डिरेक्टर्स पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में तो बेटा मैनेजमेंट दोस्त चार्जवी गवर्नेंस सब सेम ही होता है कंपनीज में आपको डिफरेंस देखने मिलता है की मैनेजर्स एंड डिरेक्टर्स के बीच में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडोप्टेड बायजमेंट एंड वेर अप्रोप्रिएट दोस्त चार्ज विद गवर्नेस

जैसे अगर एनपीओ NPO है एनपीओ तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा ना पी एन एल थोड़ी बनाएगा एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ एस और दैट इज रिक्वायर्ड बाई लॉ एक्सेप्टेबल होना चाहिए या तो लॉ ने जो बोला है वो ऑडिटर नीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फाइनेंश स्टेटमेंट्स बीइंग ऑडिटेड बाय हिम उसके बाद बेटा यहां से आप प्लीज लिख दो रीड विथ नोट्स रेफर नोट्स एंड रीड विथ नोट्स ये दोनों अलग अलग इंग्लिश होता है मैं जहां पे भी आपको लिखा हूँ रेफर नोट्स या सिर्फ नोट्स ऐसा लिखा दू अगर मैं कहीं पे पेक्स बुक में आपको मतलब ये वाला पॉइंट सिर्फ नोट्स नोट्स से कर लो बात खत्म करो मैं जहां पे आपको ऐसा लिखा रीड मतलब मैंने नोट्स में कवर तो किया है पर एक बार बुक का लैंग्वेज नोट्स के साथ कंपेयर करोट सो यू कैन जस्ट रीड दिस वंस मैं देखना चाहता हूं कि एक बार नोट्स वगैरह लिखने के बाद क्या आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है आप आज एक काम करो इसको पढ़ो कल कुछ डाउट्स रहेगा तो मैं कल मॉर्निंग में आपका ले लूंगा डाउट्स या तो लेक्चर के बाद ओके बट okay. मैं ये छोटा सा दो पैराग्राफ का सिर्फ होमवर्क दे रहा हूँ एक बार आप रीड करके देखो बेहतर आपको ये लैंग्वेज क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे लेक्चर अटेंड करने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट का लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए और एग्जाम में वो याद आना चाहिए अगर ये दो चीज मैं आपका नहीं करवा पा रहा हूं देन देर इज नो यूज नो तो आप देखो पहले वो क्लियर हो रहा है एंड इफ देर इज एनी इशू जस्ट टॉक टू मी